Sabini. Why not? हेलो गाइस, हाउ आर यू? बहुत मजा आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हाउ टू इंक्रीज द माइंड पावर। ये जितना जबरदस्त सेशन होगा, आपको मजा आएगा आज के सेशन में। और बहुत ही आराम से धीरे धीरे चलेंगे और रात के 10 बजे तक हम साथ हैं। और बीच में हम आधे घंटे का ब्रेक भी लेंगे, जिसमें आप खाना भी खा सकते हो, आधे घंटे 20 मिनट का। ये क्लास बहुत ही मजेदार आ जाएगी आपकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूंगा सभी बच्चे, कितने लोग इसमें स्टूडेंट हैं, कितने लोग स्टूडेंट हैं, टाइप स्टूडेंट इन द कमेंट सेक्शन, टाइप स्टूडेंट्स। वाओ, कितने बच्चा लोग स्टूडेंट हैं, बच्चा लोग सभी लाइन पे आ जाओ। हा हा हा, सभी लोग टाइप स्टूडेंट्स, टाइप स्टूडेंट द कमेंट सेक्शन डियर। यस,
सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी सभी जितने भी हैं इधर, माता पिता सभी लोग, अगर स्टूडेंट हो तो टाइप यस, अगर पेरेंट हो तो टाइप पी, अगर ग्रैंड पेरेंट हो टाइप जीपी। यस, मजा आना चाहिए। आज की क्लास बहुत मजेदार जाएगी, और आज की क्लास हमने इतने स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं आपके लिए, यकीन नहीं करोगे, आपको हंसाते हंसाते हुए याद करा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे पेरेंट्स, आज के सेशन में जो सेशन का कोर मोटो है कि भाई 90 मिनट में पीरियोडिक टेबल कैसे याद करें। कितने बच्चे हैं, कितने स्टूडेंट हैं जिनको पीरियोडिक टेबल पता है? व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? मैं भी देखूं कितनी वोकैब आपकी अच्छी है। व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? यस, मैं देखता हूं कितने बच्चे चालाक हैं आज। यस, प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, सभी लोग टाइप करें। यस, सभी बच्चे, सभी सभी सभी, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल है क्या आखिर में? टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अरे ये 40 लोग हम जुड़ चुके हैं अभी, और धीरे धीरे क्राउड बढ़ती जाएगी। आई रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट। यस, ध्रुव ने जवाब दिया, वाह बहुत बढ़िया। आगे और भी जवाब दे सब बच्चों, सभी लोग जिनको पता है व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, सभी लोग पेरेंट्स हैं, नहीं है तो नेट पे सर्च करो, कम से कम 10 रिजल्ट आने चाहिए, 10 रिजल्ट आने चाहिए कम से कम, तो मजा है। लोग सभी 10 तो लिखें, कम से कम 10 लिखें कम से कम। यस, बहुत ही अच्छा, लिखिए लिखिए लिखिए, इंट्रैक्शन हो सकता है, हो रहा है, बहुत अच्छा। सभी बच्चे लोग प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। यस, टाइप इन द कमेंट सेक्शन, टाइप इन द कमेंट सेक्शन, टाइप इन द कमेंट सेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके नाउ, मैं आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूं इस अच्छे से एक एपिसोड में, जिसमें आप सीखोगे कि मेमोरी आप बढ़ा सकते हो, इतनी बढ़ा सकते हो कि पीरियोडिक टेबल आप आराम से पूरा याद कर सकते हो इजीली इफेक्टिवली। और पीरियोडिक टेबल याद करना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से याद कर सकते हो, हंसते हंसते याद कर सकते हो। तो कितने लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो टाइप एस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप एस इन द कमेंट सेक्शन डियर स्टूडेंट्स, टाइप यस, एस ओनली एस, नॉट यस एस, ओके। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस साइंस के बारे में जानेंगे जिससे आपको याद होता है। पीरियोडिक टेबल तो याद करना नॉर्मल है, पर व्हाट इज द साइंस, क्या साइंस है इसके पीछे, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द लर्निंग, व्हाई यू मेमोराइज, वो साइंस है क्या आपको जो याद हो जाता है? ठीक है, वो साइंस है क्या? मैं कौन सी गुट्टी पिला दूंगा आपको याद हो जाए? क्या आप उस साइंस के बारे में जानना चाहते? इट इज नॉट सीक्रेट, ये ऑटोमेटिक इनबिल्ड है। इस पूरी मेमोरी ट्रेनिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव है, द चेंज द वे ऑफ लर्निंग। तो चेंज द वे ऑफ लर्निंग, आपके याद करने के तरीके को बदलना है। देखिए, हम आपकी मेमोरी टेबल नहीं कर रहे, हम आपके याद करने के तरीके को चेंज कर रहे हैं। जस्ट आपके जो जो अभी जैसे आप पढ़ते हो नॉर्मली, मेरी वॉइस ऑडिबल है, जैसे आप पढ़ते हो नॉर्मली, बस आपके याद करने के तरीके बदलना है। अगर आपका याद करने का तरीका बदल जाएगा तो आप याद कर लोगे। अच्छा, कभी आपने इमेजिन किया है फिल्म देखने? कौन कौन गए अभी तक? पिछले कोविड से पहले आप में से कितने लोग फिल्म देखने गए? कोई फिल्म, कौन सी फिल्म? यस, टाइप इन द कमेंट सेक्शन। सॉरी, मैं अपना टेबल एज कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में सभी टाइप करें कौन सी फिल्म लास्ट टाइम देखी थी। अब मैं ये नहीं कह रहा सिनेमा थिएटर में, मतलब कौन सी फिल्म लास्ट टाइम। यस, टाइप इन द कमेंट सेक्शन। बड़े हो, बुरे हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग लिखिए लिखिए लिखिए, कौन सी फिल्म, टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अरे वाह, फिल्म बताइए कौन सी देखी थी आपने अभी तक, कौन सी फिल्म आपने देखी अभी तक पिछले कोविड से पहले? बागी नंबर 3 ध्रुव ने का, वाह पंगा। और बताइए, और पंगा पंगा, सुपर सीक्रेट सुपरस्टार भाविशा। अच्छा उरी, अच्छा बताओ उरी में हीरो कौन था, टाइप इन द कमेंट सेक्शन।
उरी में हीरो कौन था? हीरो हीरो विशाल कुशाल। हीरोइन कौन थी? हीरोइन कौन थी? हीरोइन कौन थी उरी फिल्म में? यस, टाइप इन द कमेंट सेक्शन। हीरोइन हीरोइन। अच्छा गाने कितने थे? गाने गाने कितने थे? गाने कितने? इमेजिन कीजिए, चार। अच्छा ठीक है। फिल्म कितने ड्यूरेशन की थी लगभग? कितने ड्यूरेशन, कितने घंटे की फिल्म थी? अप्रॉक्स अप्रॉक्स। दिमाग को दौड़ाइए, यहीं से मैं सवाल निकालूंगा। दिमाग को दौड़ाइए, दिमाग को दौड़ाइए। देखी। ओके 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 ओके। 2 घंटे। आप एक नहीं कहता, थ्री इडियट फिल्म। थ्री इडियट फिल्म में एक खास टाइम आता है तो वो एक डेट लिखता है टैंकी पे, चतुर डेट लिखता है टैंकी पे। वो डेट क्या थी बताइए? इस डेट को मिलेंगे, वो डेट क्या थी बताइए? वाह वाह, 5 सितंबर। वाह क्या ऑडियंस है, लगता है पिक्चर देखने वाले बड़े जाबाज लोग हैं। ओके, अब कभी आपने सोचा है, कभी आपने सोचा है कि पिक्चर तो पूरी डिट्टू कॉपी हो गई? मैं एक पूछूंगा, दो पूछूंगा, तीन पूछूंगा, आपके पिक्चरें पूरी याद हैं। आपको पता है 1 सेकेंड जो HD का फ्रेम बनता है, जो आप पिक्चर देखते हो, नॉर्मल बनता है 30 फ्रेम पर सेकेंड, 30 फ्रेम्स, 30 फोटो खींचती है पर सेकेंड। पर जो मूवी का बनता है वो वे वे बहुत हैवी उस फ्रेम में बनती है मूवी, इतने बड़े कैमरे होते हैं। मतलब उसके दो उसके 5 मिनट में इतना डेटा है कि जितनी पूरी जिंदगी में किताबें नहीं होंगी। अब वो 5 मिनट का डेटा नहीं, आपको कितने घंटों की मूवी याद हो गई? कभी इमेजिन किया है आपने कि आपके ब्रेन में कितना स्पेस है? हम क्या कहते हैं यार, इसमें तो घुसता ही नहीं है। कितने लोग बोलते हैं अरे ये घुस ही नहीं रहा। कारण क्या है? आप उस हिसाब से इसमें ठूस नहीं रहे, घुसेड़ नहीं रहे, आपका तरीका गलत है। मेमोरी है, भगवान ने इतनी मेमोरी दी है, जिंदगी भर पढ़ोगे लिखोगे कुछ नहीं, पढ़ाई के साथ मेमोरी अनलिमिटेड है। 300 साल HD मूवी देखोगे तब भी ये भरने वाला नहीं है भाई, इतनी स्पेस है इसमें, इतना स्पेस है। स्पेस इशू नहीं है, यूज कैसे करना इशू है, यूज कैसे करना है। आपके ब्रेन में 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, 10,000 करोड़, और हर न्यूरॉन एक से लेके 5,000 कनेक्शन बनाता है। ब्रह्मांड में जितने तारे नहीं है, जितने एटम्स नहीं है, उससे ज्यादा कनेक्शन आपके ब्रेन में है। और रिसेंट साइंस कह रही है कि ब्रेन केवल सर में नहीं है, हर एक सेल में छोटा सा ब्रेन होता है, जो आज की स्टडी कह रही है। मतलब दिमाग केवल, यानी दिमाग पूरे शरीर में आपका, सो पूरा शरीर कॉन्शियसनेस से भरा हुआ है। तो आप बताइए, आप सब कुछ याद कर सकते हो, आप सब कुछ याद कर सकते हो। ये ठान लीजिए कि इट इज नॉट द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, इट इज द सॉफ्टवेयर। आपको अपनी सोच बदलनी है। तो कितने बच्चे तैयार हैं कि सर ठीक है, हम अपने याद करने को तरीके को बदलोगे अगर आप सिखाओगे? टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन अगर आप मेरे साथ हैं तो। टाइप प्रॉमिस, टाइप प्रॉमिस। वाओ कितने अच्छे लोग हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूंगा आपसे कि लाइफ में, स्पेशली इन द ब्रेन, जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो, जब जब आप कॉलेज लाइफ में हो, ब्रेन को आपने साइकिल की तरह मोटर दिल चलाते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। अगर कुछ ना कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? लोग कहते हैं अरे यार 60 के हो गए, कुछ सठिया गया बंदा। सठिया ही नहीं है, मीन कि आपने स्कूल के बाद, इतने इसमें पेरेंट्स जुड़े हैं बहुत सारे, स्कूल के बाद हमने याद करना छोड़ दिया। अगर मैं साइकिल चलाना छोड़ दूंगा अचानक साइकिल मेरी, तो क्या होगा? टांगे दर्द होंगी। टाइप यस और नो, टाइप यस और नो। मैं सभी से गुजारिश करूंगा यस और नो। फिर कहोगे यार टांगे कमजोर हैं, ठीक है सही पकड़े हैं, बिल्कुल क्या डायलॉग मारा है सर, अब तो टांगे टांगे कमजोर, अरे तो चला ही नहीं जाता। आप कई बार, कितने बच्चे ऐसे होते हैं जब पेरेंट्स को मोबाइल में दिक्कत होती है, अरे बेटा जरा देखना, कितने बच्चों ऐसा होता है कि जब पापा मम्मी का फोन अटकता है तो कहाँ थे पापा मम्मी, अरे बच्चा जरा देखना फोन,
कितने से ऐसा हुआ है? टाइप टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। और वही छोटा बच्चा, मेरी 3 साल की बिटिया है, वो खोल लेती है चीजें, ऐसे कर देख लेती है, मेरी माँ नहीं कर पाती, कभी सोचा है क्यों? और हम कहते, अरे देखो बच्चा कितना चलाक है, फोन चला रहा है। भाई चलाक नहीं है ना, वो तेज है। बच्चे में एक चीज होती है हिट एंड ट्रायल, हिट नहीं आता तो छेड़ो, नहीं आता तो छेड़ो, नहीं आता तो छेड़ो, करोगे फिर ठीक करेंगे, पढ़ोगे। और लौंडों में तो बहुत ज्यादा होती है, बॉयज में तो बहुत ज्यादा होती है। मतलब बॉयज में ऐसा होता है, मैं अपना बताता हूँ, हम लोग पहले गेम खेलते थे और गेम, अरे यार और रात के 2 बजे तक लगे, अरे यार एंट्री नहीं मिल रही, एंट्री नहीं मिल रही, माँ कसम क्या मतलब, मतलब कितने बॉयज है इसमें जो चीज देखते हैं, बॉयज गेम्स के दीवाने होते हैं, ठीक है आपको पता है। और चाहे ना रात के 3 बजे का गेम सही, और ह्यू नहीं पास हो रही, कितने एग्री करते हैं लौंडे, कितने लौंडे हैं भाई, टाइप बॉयज इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है टाइप बॉयज, यस टाइप बॉयज बॉयज, या गैलेक्सी। और भाई हमें अपनी अपनी ऑडियंस मिल रही, पुराने दिन याद आ रहे हैं। तो होता क्या, लोगे लोगे लोगे, तब पता है ये भी नहीं आता कि मच्छर काट रहा है बीमारी, कई बार तो देखो पेरेंट्स हो रहे हैं, अरे चलो देखते चल के, कभी सोचा क्यों? क्योंकि वो चीज होती है, अरे क्रैक करना है। और जो हैकर होते हैं ना, आप यकीन नहीं करो, तो पार्टी में अरे अब तो हैक कर ली भाई, लगा तो उड़ा लियो। मींस कहने का मतलब ये है कि जब आप ट्राई करना छोड़ दोगे, स्पेशली बुजुर्ग लोग कहना चाहता हूं, आपकी मेमोरी कमजोर नहीं है, आप ट्राई नहीं करते, नए स्किल सीखते नहीं हो, मोबाइल में अटक गया, अरे 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 कर रहा भैया कुछ होगा, नहीं आपने नई स्किल सीखनी है। जैसे आप नई स्किल सीखते रहोगे, यकीन नहीं आपको ब्रेन और बेटर 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 होता जाएगा। तो नया स्किल सीखना है, क्या क्या नया स्किल सीख सकते हो, स्पेशली एडल्ट्स पूछ जानना चाहोगे? अगर आप जानना चाहोगे, टाइप आस्क इन द कमेंट सेक्शन, टाइप आस्क, क्या नई स्किल आप सीखो जिससे आपका ब्रेन तरोताजा रहे, बिल्कुल जवान रहे, बिल्कुल यस। कितने पेरेंट, कितने एडल्ट्स चाहते हैं, टाइप आस्क, यस यस यस। तो जिंदगी में अगर आप कोई करना है, सारे अडल्ट्स अपना कैमरा खोल ले, सब प्लीज सभी लोग अडल्ट्स, और आज का सेशन में बच्चों को साथ लेके बैठे, यस बच्चों के साथ लेके, ये मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यस सभी कैमरा खोलने प्लीज, सभी रिक्वेस्ट है आपसे, सभी लोग। हाँ चलिए, पहली बात अपनी आंखें बंद कर लें, सब पेरेंट्स से और बच्चों के लिए भी उतनी जरूरी, आंखें बंद कर लें। देखिए ये एक्सरसाइज जितनी ईमानदारी से करोगे ना उतना, आंखें बंद कर लें। अब सुबह जाइए, अच्छा सुबह जब उठे थे तो आपने कौन सा पांव नीचे रखा था, इमेजिन कीजिए सुबह जब उठे थे तो आपने कौन सा पांव नीचे रखा था। ओके ठीक है, जब सुबह उठ के पहली बार जब गए थे का मतलब हल्के होने कितनी देर लगी थी, ठीक है रात को कौन से कपड़े पहने थे, कच्चा कौन से रंग का था, बनियान कौन से रंग की थी, शर्ट कौन से रंग की थी, अच्छा ठीक है सुबह खाया क्या था, कितने रोटी खाई थी, अच्छा सपना क्या आया था, फिर आगे चलना है दोपहर में क्या क्या टास्क थे आपके, अच्छा दोपहर में क्या खाना खाया था, अच्छा दिन में सोचा क्या था आपने, फिर आगे चलिए, अतः शाम को डिनर के बाद कितना अच्छा लगा आपको, ये कितना नहीं अच्छा लगा आपको, कौन कौन लोगों से मिले, फिर रात को सोने से पहले अच्छा दिन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या मैंने सीखा, और रिवाइंड कीजिए, ताकत लगाई एक एक स्टेप, मैं सुबह ये किया वो किया, इस एंगल पे गया, अच्छा गया था गेट के, इतने लोग घूम रहे थे, इस चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। आपके घर में कितनी खिड़कियां, ऑब्जर्व कीजिए आप अब जिन सीढ़ियों से घर पे जाते हैं, ऑब्जर्व कीजिए कि आपके स्टेज में कितनी सीढ़ियां, एक मंजिल पे घर है तो कितनी सीढ़ियां चल के जाते हो, आपके सामने वाले घर में कितनी खिड़कियां हैं नहीं बताऊंगी, किस रंग की खिड़कियां हैं नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, आपके रोड के सामने कितनी चौड़ी रोड है, कितनी फुट की होगी नहीं पता। जब आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ठीक है ना, उस बस का ड्राइवर कैसा है, बस का नंबर क्या है, बस किन रूट से आती है, उस अलग अलग दुकानों के होर्डिंग्स के मेन होर्डिंग किस रंग के हैं, आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में कितनी सीढ़ियां हैं, ऑफिस में कितनी खिड़कियां हैं, और चेयर है वो किस ब्रांड की है, टेबल किस ब्रांड का है। अब आंखें खोल लीजिए, अपनी आंखें खोल लीजिए। क्या ये एक्सरसाइज करनी टफ है क्या? पेरेंट्स से पूछता हूं,
क्या ये एक्सरसाइज करनी टफ है क्या आपके लिए? कितने पेरेंट ये प्रॉमिस करते हैं कि ये छोटी सी एक्सरसाइज वो डेली करेंगे। टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन। यस, हेलो हेलो, टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन पेरेंट्स, टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन। वाओ, इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा जानना चाहते हो? फायदा ये होता है कि जब आप कुछ चीज रिवाइंड करते हो तो न्यूरल कनेक्शन दोबारा रिकनेक्ट होते हैं। और हमारे चीज में खास चीज है कि ठीक 24 घंटे बाद हम 82% भूल जाते हैं, 82% प्लस। अगर मैं पूछूं कि 4 दिन पहले सुबह आपने क्या खाया था, नहीं पता होगा। कौन सी ड्रेस पहनी थी, नहीं पता होगा। किस जगह गए थे सुबह, अचानक नहीं पता होगा। क्यों? वो शॉर्ट टर्म मेमोरी डिलीट होती गई। तो उसको रिवाइंड करने के लिए बहुत जरूरी है। कितना हम डेली बैक जाते हैं, कहते हैं रिवर्स करते हैं गाड़ी को, वो बहुत जरूरी है। रिवर्सिंग इज द की ऑफ लर्निंग। ये 5 मिनट आपने डेली निकालना शुरू कर दिए, मेमोरी में 10% इजाफा मानिए, 10% मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम। ये एक्सरसाइज अपने दिन में, दिनचर्या में ढाल लीजिए। दूसरी है गाना गाना, गुनगुनाना। कितनों को गाना अच्छे से आता है, मतलब गुनगुनाते हैं? प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। म्यूजिक 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 म्यूजिक, यस। मैंने कहा बाथरूम सिंगर्स कौन कौन है भाई? टाइप बी सिंगर्स, टाइप बी सिंगर। बाथरूम सिंगर सब होते हैं, हम भी बाथरूम सिंगर हैं, बी सिंगर। वाह, किसी ने तो हिम्मत दिखाई, यस। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिंग, गाइए, गाने से मेमोरी बहुत फास्ट होती है, एक्सपेशली। यस, थर्ड, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेमोरी को बढ़ाएगा, रिटेंशन को बढ़ाएगा। मैं वो चीज बता रहा हूँ जो वर्केबल कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि एक्सरसाइज करनी है, मुझे पता है बहुत कम लोग कर पाते डेली। थर्ड वन इज द कोर ऑफ लर्निंग। क्या वो जानना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी चाबी क्या है? अगर जानना चाहते हैं, टाइप के इन द कमेंट सेक्शन, टाइप के इन द कमेंट सेक्शन बच्चों लोग। वाओ वाओ, टाइप के इन द कमेंट सेक्शन। वो की है मेडिटेशन, ध्यान वो की है। और स्पेशल टाइप ऑफ मेडिटेशन है जिसमें आपके दिमाग की बत्ती जला दे, वो खास बीट्स वाली है। और ये मैंने बकाला टेस्ट किया अपने स्लम में बच्चों को। जब मैं पास वर्किंग आवर्स के बाद अपने शाम को मैं स्लम में जाता था, तो बच्चे लोग तो पढ़े, मैं नहीं कह रहा कि शैतान थे, उनको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो बच्चों अगर कुछ चेंज करना है तो मैंने शास्त्र देखे, गायत्री मंत्र की चैंटिंग देखी, अपनी पुरानी वैदिक किताबें पढ़ी। उनमें कहा पुराने समय में हमारे जो गुरु होते थे वो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग टाइप की मेडिटेशन रिकमेंड करते थे। मैंने वही किया, मैंने मेडिटेशन को म्यूजिक से जोड़ दिया। मैंने 6वीं क्लास के बच्चों को ठेठ सर्दियों में रात के 10 बजे आधा घंटे तक बैठा के रखा है मेडिटेशन में। बच्चों को मजा आता था, पर अचानक नहीं होता, इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे। मुझे 2 महीने लगे थे करने में। तो जिन बच्चों का पढ़ने का मन नहीं लगता था, मन नहीं लगता। देखिए आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चे ऐसे स्टूडेंट जिनके 50-60-70 मार्क्स आते हैं, कम आते हैं। सपोज एक ही अंतर होता है 90% वाले में 60%, एक का मन लगता पढ़ाई में, एक का मन नहीं लगता, और कुछ फर्क नहीं है। कितने एग्री करते हैं, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। और जिनके मार्क्स कम आते हैं, यकीन नहीं करोगे, एक 90% वाला इतना बुद्धिमान नहीं होता, इतना 60% वाला बेचारा, 60% वाला 10 दिन बढ़ के 60 ले आता। सोचो वो अगर पूरे साल बढ़े तो हंस हंस के, अरे यार पास हो जाएंगे यार, ओ निकाल लेंगे, मेरे कोई दिक्कत नहीं। कितने बच्चे इस कैटेगरी में जो मेरे साथ है हम जैसे, तो आप ये मत सोचिए पढ़ने में कमजोर, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देन द 90% का है। क्योंकि आप स्ट्रेस में, अगर उसको 1 महीना दोगे ना पढ़ने को तो सुसाइड कर लेगा, हाय रे सब क्या करेंगे दुनिया, ऐसे बोलेंगे। मतलब मेरे एक क्या हुआ, एक क्लास में एक बच्चा था बड़ा उदास, रो रहा। मैंने क्यों क्यों रहा है? तो बच्चा कहता, मेरा दोस्त कहता, भाई भाई इतने मार्क्स आए हम 3 पास हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, 99 आए 99, और 1 मार्क्स का मतलब पीटा जा रहा है। मैं कह रहा भाई यार मेरे को दे, मैं पास हो जाता। मतलब ऐसे बंदे, हम जैसे बंदे 10 दिन पढ़ते पढ़े मजे से पास हो जाते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। कभी ये मत सोचो कि आज मैं आपको एक शीट दिखाऊंगा इंटरव्यू ट्रेनिंग की, जो बताता है कि एकेडमिक सक्सेस ओनली 3% मैं रखते हैं इंटरव्यू में। कितने लोग पेरेंट वो शीट देखना चाहते हैं, स्पेशली डिजाइन शीट, तो कभी अच्छा वाले बहाने निकालते। वो शीट शेयर करूंगा मैं
कि एग्जैक्ट पैरामीटर क्या होते हैं इंटरव्यू में, कितने पेरेंट्स चाहते हैं वो शीट देखना स्पेशली, और वो शीट आप देखोगे ना बच्चों आप खुश हो गए, अरे वाह ये टीचर थी, कितने टाइप शीट इन द कमेंट सेक्शन, चाहे टाइप शीट, वो शीट बहुत ही एक्यूरेट है, इतनी बड़ी है, बकायदा लिखा हुआ है पूरा पूरा ये पैरामीटर्स होते हैं। हाँ ये आपको वेट करना पड़ेगा मेरे से, मैं इसको लास्ट में सीट शादा करूंगा आपसे, तैयार हो मेरे साथ, बहुत अच्छी सीट है ठीक है। तो स्टूडेंट्स कभी ये मत सोचो अगर आप पढ़ने में कमजोर हो, ना ना ना, आपका दिमाग तो प्रोसेसर बस फास्ट है, बस फोकस नहीं है, बस फोकस नहीं है। और फोकस के लिए खास एक एक्सरसाइज मैंने बच्चों से टेस्ट की है, तीन एक्सरसाइज है। तो पहला सेट उसमें 5 मिनट का होता है, फिर वेट करें, दूसरा सेट फिर 5 मिनट का होता है, दो सेट लेंगे और दो सेट में एक्सपीरियंस जबरदस्त होंगे आपके। क्या उस एक्सरसाइज के फायदे क्या हैं? फर्स्ट, ब्रेन सेल इंक्रीज होते हैं, कनेक्शन इंक्रीज होते हैं, बॉडी पे ग्लो आता है, झुर्रियां कम पड़ती हैं। और बताओ झुर्रियां, मैं 37 प्लस होने वाला हूं, लगता हूं क्या? नहीं लगता ना, क्यों नहीं लगता? इसी कारण आप लगातार 12 घंटे पढ़ सकते हो छोटे छोटे सेट मेडिटेशन करके। मैं रात में अगर मुझे 2 घंटा नींद मिले मैं पूरा एक्टिव रहता हूं, मैं सुबह 3 बजे का उठाऊ बच्चों और रात के 1 बजे सोया था, मैनेज करो आराम से, क्योंकि बीच में 10 मिनट ऐसे करके नींद ले लेता बस बैठ के। क्या आप ये करना चाहते हैं, इतना दिमाग जबरदस्त बनाना चाहते हैं कि आप पूरी फोकस कंट्रोल में हो? अगर करना चाहते हैं, वो तरीका सीखना चाहते हैं, इट नॉट सीक्रेट है, हमारे वेदों में पुराणों में बहुत पहले से बताया गया। पर दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, हमारे देश के जो शिक्षा अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, शायद उन्हें वेद पुराण पढ़े ही नहीं है अभी तक, पढ़े ही नहीं है कि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, वो हमारे सिलेबस में डाली नहीं जाती। क्यों? क्योंकि अगर हम एजुकेटेड बन जाएंगे तो इन जैसे लोगों को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हर साल हमारे घर पे बंदर आते हैं, कोई कांग्रेस का झंडा लेके, कोई बीजेपी का झंडा लेके, दिक्कत इनको हमसे कुछ मतलब नहीं है। आप देखिए कोविड का कारण है, गवर्नमेंट बैठी है सेंटर में, ठीक है ना, द मोस्ट जबरदस्त पीएम, पर गवर्नमेंट की इतनी भी औकात नहीं है कि बायजू ऐसा ऐप लॉन्च कर रहे हैं। जरा समझ रहे मेरी बात आप? बायजू ऐसा ऐप लॉन्च करने की गवर्नमेंट की औकात नहीं है, तो ये क्या करेंगे सर? इन्हें कुछ मतलब नहीं आपसे, एक का चेहरा आगे बढ़ा देते हैं, आप जियो मरो कुछ मतलब नहीं, सच्चाई कड़वी सच्चाई सर। तो एजुकेशन गवर्नमेंट के बस का नहीं है, ये आपसे इनोवेशन आएगा, प्राइवेट सेक्टर से इनोवेशन आएगा, गवर्नमेंट की बस की है ही नहीं। कितने लोग यकीन करते हैं कि इनोवेशन कहां से आएगा? प्राइवेट सेक्टर से। टाइप प्राइवेट इन द कमेंट सेक्शन, टाइप प्राइवेट इन द कमेंट सेक्शन। गवर्नमेंट की बस की नहीं है, गवर्नमेंट की बस की है ही नहीं है। यस ध्रुव जी का, वाह ध्रुव जी बहुत बढ़िया। तो अगर आप उस एक्सरसाइज के लिए तैयार हैं, उस एक्सरसाइज के लिए तैयार हैं, तो अपनी आंखें बंद कर लें प्लीज, अपनी आंखें। और ये एक्सरसाइज इतनी इनोवेटिव है कि अगर आपने हाथ हिलाया भी ना, अनुभव नहीं होगा आपको, एक्सपीरियंस नहीं, पूरा एक्सपीरियंस का खेल है ठीक है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, यस अपनी आंखें बंद कर लीजिए, यस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और सब पेरेंट्स अगर बच्चों के साथ बैठे हैं तो गोले में बैठ जाए आराम से, अपनी पीठ साइड में लगा लें, सीधे स्ट्रेट हो जाए, चाहे पद्मासन में बैठे या सिंपली पालती मार के बैठ जाए या कुर्सी बैठ जाए, टोटली चॉइस आपकी है। यस अब बैठने के बाद आंखें बंद कर लें, क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें, नॉर्मली सांस लें, नॉर्मली छोड़ें, नॉर्मली सांस लें, नॉर्मली छोड़ें, धीरे 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 धीरे। अब इमेजिन करें कि आपका स्ट्रेस सर से वाइट फॉर्म का एक बहुत सारा गोला है, वो धीरे धीरे से ब्लैकिश फॉर्म में जा रहा है, आपका सारा स्ट्रेस ब्लैक फॉर्म में निकल रहा है। इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए, इमेजिनेशन इज द की ऑफ लर्निंग। इमेजिन कीजिए, आप एक गौर कीजिए कि आपके लंग्स कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, आपकी नाकों सांस पे प्रेशर कितना है आपका एयर का, सांस में देखिए हवा कैसे बॉडी के अंदर जा रही है। नॉर्मली सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, नॉर्मली सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, शांत हो जाइए, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
जब तक मैं उठने को ना कहूं उठना नहीं। आप नॉर्मली सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, नॉर्मली सांस लीजिए, वाओ, बस शांत हो जाइए। पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड। Device paired. Okay. अब जो म्यूजिक बताऊं उसी फोकस करना है आपको बच्चों, बस। और नॉर्मली सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। Battery low. Thank you.
Thank you.
अभी आप सबसे मेरा अनुरोध है कि धीरे 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 अपनी आंखें खोलिए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। ओके, आंखें खोलिए, प्लीज ओपन योर आईज। आपने आंखें खोली, प्लीज सभी से अनुरोध है, आई रिक्वेस्ट ऑल पार्टिसिपेंट टू ओपन देयर आईज। ओके ओके, आप में से कितने लोग इसमें पहली बार इस वेबिनार में आए हैं? देखिए, फर्स्ट टाइम, टाइप फर्स्ट टाइम इन द कमेंट सेक्शन, टाइप फर्स्ट टाइम, फर्स्ट फर्स्ट टाइम, या वन लिख दीजिए, बस काफी है। टाइप वन, सभी लोग, सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है। सभी देखिए, सब लोग जुड़े हैं, अगर आप मुझसे इंटरेक्शन रखेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम रात के 10 बजे तक साथ हैं, ब्रेक लेंगे। यस, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। मार्केट में लोग इसके बहुत पैसे लेते हैं सर, मीट बेरिन के नाम से, स्पीड रेंडे के नाम से, लॉट ऑफ मनी, बुराई नहीं है सर, वो कुछ स्किल्स सिखा रहे हैं, पर हर बच्चा 15-20 हजार रुपए नहीं दे सकता इसके, इट्स वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है। हम सोचे क्यों ना बच्चों को फ्री में दें 12 घंटे की ट्रेनिंग। तो अगर मैं स्टूडेंट आपसे कहूँ कि अगर मैं लगातार सेशन लूँ शाम को, क्या आप मुझे अपना कीमती 2 घंटे का समय दे सकते हैं रोज? आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि अगर मैं आपके लिए समय निकालूं डेली, ठीक है, डेली, हाँ, तो क्या आप मुझे मिनिमम 90 मिनट मुझे चाहिए, मुझे 90 मिनट मिनिमम, हाँ। और ये मैं रात को नहीं कर सकता क्योंकि हमारे अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो आप लोग बच्चों लोग 1 बजे तक स्कूल खत्म हो जाता होगा, 1 o'clock तक सबका हो जाता है आजकल ऑनलाइन मोस्टली। प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, टाइप 10 इन द कमेंट्स, 10, ऑलमोस्ट सबका हो जाता है आजकल, तो ऑनलाइन है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो हम आज तारीख कितनी है, आज 28, 1 तारीख से स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लगभग 1:30 बजे से 1:30 बजे से 3 बजे तक होगा, 1:30 से 3, और जो लोग उसका अटेंड नहीं कर पाएंगे उसका री टेलीकास्ट हो जाएगा, उनको उसकी पासवर्ड आईडी मिल जाएगी, वो लोग देख सकते हैं। यस, ये 12 घंटे के सेशन होंगे, 12 घंटे की इनडेप्थ ट्रेनिंग होगी, उसमें क्या होगा, स्पीड रीडिंग, आपने माइंड से बियॉन्ड कैसे जाना है, क्या न्यूट्रिशन लाएं कि ब्रेन बॉडी सब ठीक रहे, क्योंकि बच्चों की खाने की आदत खराब होती है, स्पिरिचुअली इवॉल्व कैसे होना है, कैसे सुसाइडल टेंडेंसी से बचे हैं? मैं क्यों कर रहा हूँ ये आप सोच रहे होंगे, 12 घंटे क्यों, मैं रात का 3 बजे का उठाऊं और लगातार बिना कर रहा क्यों, जब लगातार बंदा काम करे बिना किसी पैसे के वो तभी काम कर सकता है, या तो उसके उस काम में बहुत पगलैट हो या दिल में कुछ दर्द हो। एक कहावत है ना दशरथ मांझी की, उसने पहाड़ तोड़ दिया था, कितने को पता, जिसमें एक कहानी है, अभी फिल्म बनी है उस पे, बंदे पे, दशरथ मांझी का नाम सुना है कितने लोगों ने, वाइफ के जाने के बाद उसने एक मतलब पहाड़ ही तोड़ दिया बंदे ने, कितने लोगों को कहानी पता है, फिल्म बनी उसमें क्या आपके, एक हीरो हैं बहुत ही अच्छे, जो उसमें एक सलमान के किक फिल्म में डॉन थे, क्या है उनका नाम, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यस यस, तो ये जो है ये इसमें, तो मेरे घर में कुछ पर्सनल दिक्कतें हो गई थी, 8 साल पहले मेरे भाई ने, छोटे ने सुसाइड कर लिया था, तो मैंने कहा मैं एक सेशन, कभी कभी भगवान ने मौका दिया मैं स्टार्ट करूं, स्कूल में जाता था तो इम्पैक्ट नहीं होता था इतना, पर कोविड ने एक मौका दे दिया, क्यों ना बच्चों को सिखाया जाए, इसीलिए। तो फर्स्ट चीज ध्यान रखें कि आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी, कहीं ना कहीं कुछ चीज कुछ चेंज हो जाए उसके लिए काम कर रहा हूं मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
आपने इतना समय दिया, अब हम चलते हैं अपने मेन कोर इश्यू पे, टॉपिक्स पे। पीरियोडिक टेबल कौन याद करना चाहता हो, छोरों छोरियों, पेरेंट्सों? यस, हम ऐसे शख्स को बुलाने जा रहे हैं जो चुटकियों में पीरियोडिक टेबल याद करा देता है। वो इतना एक्सपीरियंस बंदा है, आपको हंसाते हुए करा देगा। एक्सपर्ट अपने फील्ड का, मुझसे भी तेज है भाई साहब। आप एक गेस बताता हूं कि उसकी एजुकेशन क्या होगी। प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, गेस कीजिए। प्लीज टाइप। बहुत एक्सपीरियंस, आपको हंसाते हुए करा देगा, हंसाते हुए, वो भी मिनिमम बताइए। प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी। आपका हार्डली 30 सेकंड यू हैव। यस आशीष जी, आप करीब हो काफी, आशीष जी काफी करीब हो, बहुत करीब हो। प्लीज, बहुत बढ़िया, पीएचडी, वाओ वाओ। लोगों ने तो सर पूरे फोर्स कैसे लेके क्लास 5 तक छोड़ दिए, वो समझते सत्य भी स्कूल ड्रॉप आउट है तो उसी कैटेगरी का बंदा लेके आएगा। देखिए हमारे साथ एक नए लौंडे, नया खून हमारे साथ है, और इस बंदे ने कहा सर मैं सिखाऊंगा बच्चों को, तो मैं उनका हार्टली स्वागत करता हूं। और इस मार्गदर्शन के पैनल पे वो आपको की मेमोरी ट्रेनिंग्स के आपको सिखाएंगे, बताएंगे और आपको हंसाते हुए याद कराएंगे। जोरावर सिंह, मैं चाहता हूँ आप अपने आप को, यस आप वीडियो वीडियो पे आइए सर, प्रकट होइए। ओहो, सत श्री अकाल पाजी, कैसे तुसी? हेलो, बढ़िया है। अरे बोलिए तो तनिक। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। दोबारा बोलिए। हेलो, नहीं आवाज आ रही, नहीं आ रही। उसको हटा दीजिए, हटा दीजिए इसको। ओके, इसको हटा दीजिए, हटा दो, ऐसे लैपटॉप से हटा दो, लैपटॉप की वॉइस कीजिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, ऑडिबल नहीं हो सर आप, ऑडिबल नहीं हो। ऑडिबल है सर, ऑडिबल है? मेरे पास आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रहा है सर, आपको नहीं आ रही? ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। आप देखिए सामने ऑडियंस है, ठीक है? ऑडियंस को आपने सिखाना है पीरियोडिक टेबल 30 तक याद कराना है। अब आपके पास, पहले अपने बारे में बताइए सर। ओके, तो बड़े मस्त लग रहे हैं, आपसे बता रहा हूँ। मैं अभी मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं अभी नीट क्लिप कर रहा हूँ प्रिपेयर, और इस साल जैसे COVID-19 की वजह से इन्होंने पेपर शिफ्ट कर दिया आगे, तो अब हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि कब हम रेडी करें हमारा सब कुछ, कब कंपाइल कर सब कुछ और कब हम दें। तो होप्सो गवर्नमेंट ने डेट दी है, फिर हम अपना एग्जाम देते हैं एंड रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा आने वाला है, जरूर आएगा अच्छा हमारा रिजल्ट। तो आज जैसे हम पीरियोडिक टेबल में, बहुत लोगों को ये होता है कि याद कैसे करें यार, ये इतना बड़ा है, कैसे याद करें। तो उससे पहले ये सोचना है, जैसे अभी सर ने एक मांझी मूवी के बारे में बताया, तो मांझी मूवी में उन्होंने पहाड़ जब तोड़ना था तो पूरा पहाड़ उन्होंने कितने टाइम में तोड़ लिया था, अगर ये आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। सर आपकी वॉइस लो है, स्पीकर के पास ले गया ये। हाँ। हेलो, मांझी ने कितने टाइम में पहाड़, पास में थे थोड़ा सा, आवाज क्लियर आई है आपकी। हाँ बस ऐसे बोलिए। हेलो, हाँ ठीक है। मांझी ने पार्ट कितने सालों में तोड़ा था या कितने टाइम में तोड़ा था, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके ओके, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, सबने बताया है, किसी ने कुछ 18 ईयर्स, ओके, और 22 ईयर्स, ओके, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, मैं बताता हूँ
उन्होंने पहाड़ कब तोड़ लिया था? मांझी ने पहाड़ उस दिन उस सेकंड ही तोड़ लिया था जब उसने दिमाग में ये सोच लिया था कि मैं आज पहाड़ तोड़ूंगा। अरे मेरे शेर, क्या डॉलर मारा तुमने यार, मस्त खुद दिल खुश कर दिया तुमने। मांझी ने जब अपने दिल में अपने दिमाग में ये सोच लिया कि अब मैं इस पहाड़ को तोड़ूंगा, उसने पहाड़ को उस तौल ही तोड़ लिया था। तो फिर ये तो छोटा सा पीरियोडिक टेबल है, इसे कैसे नहीं याद कर सकते? उसने तो फिर पहाड़ तोड़ दिया था। हमारा ब्रेन जो सर हमें बता रहे थे इससे पहले, तो हमारे ब्रेन के पास 20,000 एप्लीकेशन तो वैसे ही डाउनलोडेड है। जो हमारे पास फोन है उसमें हम 10 या 20 एप्लीकेशन डालते हैं और वो एक स्मार्टफोन बन जाता है। तो आप सोचो हमारा ब्रेन कितना स्मार्ट होगा। सर ने भी बताया 300 VS की HD वीडियो हम डाउनलोड कर सकते हैं। तुम्हारे ब्रेन को हम ये नहीं सोच सकते, यार मेरे कुछ घुस नहीं रहा, मुझे याद नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, ऐसे नहीं, सब याद हो जाएगा। बस ये है कि हम पढ़ाई में सोचते हैं कि हमें मस्ती करनी है, मस्ती में बहुत ध्यान लगता हमारा, पढ़ाई में नहीं लगता, बहुत लगता हमारा मस्ती में। अब मस्ती में कैसे लगता है ध्यान हमारा, क्योंकि हमें बहुत खुशी मिलती है यार वो करके। अब बच्चे सोचते हैं यार पढ़ाई करके कुछ खुशी नहीं मिल रही यार, क्या करे। तो क्यों ना पढ़ाई में ही मस्ती जोड़ लो ना, जरूर याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा फिर तो। अगर हम पढ़ाई में ही मस्ती जोड़ लें तो सब याद हो जाएगा। तो अब हम सीधा चलते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल हमें कैसे लर्न करना है। तो इसको लर्न करने के लिए बहुत छोटी सी ट्रिक है हमारे पास। हम पीरियोडिक टेबल हमारे पास पूरा, उसके अंदर हम ग्रुप वाइज चलते हैं। जो ग्रुप वन है वो होता है एल्कलाई मेटल्स, तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। अब मैंने कैसे याद कर लिया, मैंने कोई एक सेकंड में तो याद करा नहीं, अब मैं इसे याद कैसे करा। मैंने इसको एक ट्रिक बनाया, मैंने इसमें एक मजाक बनाया, मैंने इसमें एक ऐसी चीज बनाई जिसे सुन के मैं खुश हो जाऊं। मैंने इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई, मैंने इसका लाइन बना दी एक। तो अगर हम इसके इनिशियल्स देखें, जिसके फर्स्ट वर्ड्स हैं, मैंने उनको मिला के एक फनी सा फ्रेज बनाया, छोटा सा फ्रेज। और उस फ्रेज को बोलेंगे, अगर हम ग्रुप में देखें तो उसको मैं बोलता हूं, हलीना ने करी रब से फरियाद। हलीना ने करी रब से फरियाद, मैंने ये बोला तो हमारा फर्स्ट जो ग्रुप है वो पूरा डन होता है। हलीना ने करी रब से फरियाद। तो अगर आप इस चीज को जब ग्रुप वन को अपने आगे आप पीरियोडिक टेबल रख के देखते हैं तो जो मैं बोल रहा हूं वो ही आपको दिखता हुआ लगता है। वो क्यों लगता है, क्योंकि अब हम इसमें एक मस्ती ढूंढ रहे हैं, हम एक मजाक ढूंढ रहे हैं कि इसमें हम एक मस्ती मजाक करें और हम इसे खुशी होके पढ़े, तो हम ये जरूर कर लेंगे। तो हमने फर्स्ट ग्रुप में गया तो मैंने फर्स्ट ग्रुप को पढ़ा, हलीना ने करी रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। अब ऐसे ही हम सेकेंड ग्रुप पे चलते हैं। अब इसमें भी मैं एक मजाक ढूंढूंगा, एक मैं मस्ती बनाऊंगा इसको, एक मैं एक नॉर्मली अगर ऐसी पढ़ने को बोल दिया तो बंदा बच्चा कंफ्यूज ही हो जाता है, वो बोर हो जाता है, फिर वो पढ़ता ही नहीं है। तो फिर अब कैसे हम याद करेंगे, अब सेकंड ग्रुप पे चलते हैं। हर किसी का होता है, हर एक लड़के का बड़ा सपना होता है कि घर वाले बाइक ले दे, एक कार ले दे, है ना, बहुत जल्दी एक सपना बन जाता है हमारा कि एक बस कार और या बाइक वगैरह ले दे। तो फिर अब हम सेकंड वाले को क्या बनाएंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, सेकेंड ग्रुप। इस सेकेंड ग्रुप को अब मैं कैसे मस्ती मजाक में कन्वर्ट करूंगा वो सुनना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये संदीप कुमार एक आए हैं, इन्होंने जरूर बताया, बहुत बढ़िया। मैंने इसमें एक मस्ती ढूंढी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और कितनी बढ़िया बात है यार, पापा राजी भी हो गए, बेटे ने मांगा और पापा राजी भी हो गए। हर एक चीज में अगर हम पीरियोडिक टेबल का जैसे हम स्टार्टिंग से करेंगे तो ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक हमारा कंप्लीट होता है। तो हमने दो इसमें करा, हलीना ने करी रब से फरियाद फर्स्ट, सेकंड होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आप जल्दी जल्दी से सब कुछ करो,
तो ये चीजें होती हैं, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये फॉर्मूलाज को लर्न करने की, बड़े बड़े ऐसे याद करने की टेबल्स वगैरह को, कि आप इनमें कुछ ऐसी चीज सोचें, कुछ ऐसा फ्रेज बनाए माइंड में, क्योंकि हमारे माइंड में कोई भी चीज आज मैं याद करें, हम याद करें, वो 48 आवर्स तक रिटेन रहेगी, उसके बाद वो हमारे कॉन्शियस माइंड से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। अब वो सबकॉन्शियस से वापस कॉन्शियस में कैसे आएगी, हम उसका रिवीजन करें, हम उसे बार बार याद करें। अब मेरे से मेरा एक फ्रेंड ने बोला कि यार भाई मैंने एक दिन पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था और आज ना यार मेरे को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। तो मैंने कहा वो फॉर्मूला पढ़े तुझे कितने दिन हो गए, उसने मुझे बोला 14 दिन हो गए भाई। तो मैंने कहा यार 14 दिन, मैंने कहा और तुमने कितनी बार रिवीजन किया, क्या तो एक बार भी नहीं। तो मैंने कहा ये याद तो फिर वैसे भी नहीं रहेगा, इसमें दिमाग को क्यों दोष देना। तो फिर इसी चीज से है कि हम इसे पिक्चराइज करें, अगर पीरियोडिक टेबल जो है उसे हम पिक्चराइज करें। हलीना ने करी रब से फरियाद, हलीना ने करी रब से फरियाद, हम अगर इसे सोचे तो हम इससे सोच के हम इसे अगर हम एक पिक्चराइज करें हमारे माइंड में, हम इसकी एक पिक्चर फ्रेम करें, कुछ कुछ हो रहा है, हम उसे वास सोचे, हम उसे बहुत कलरफुल सोचे, हमारा माइंड उसे रिटेन रखता है, हम ये भूलेंगे नहीं फिर कभी भी। अब हम ऐसे ही चलते हैं ग्रुप 13 की तरफ, अगर हम चलते हैं, मैं इस ब्लॉक सीधा पी ब्लॉक पे आ गया, तो इसमें आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब इसमें भी हम एक पिक्चराइज एक स्टोरी बनाते हैं जो हमें याद रहेगी जरूर। तो वो स्टोरी कैसे बनाते हैं, कुछ बहुत फनी सा सोचेंगे हम, कुछ बहुत फनी सा सोचेंगे। तो वो क्या हो गया, जैसे बैंगन आलू गाजर इन थैली। मैंने इस चीज को बहुत एक फनी वे में बनाया और मैंने पिक्चराइज कर लिया कि ग्रुप 13 क्या हो गया, कि एक थैली में बैंगन आलू गाजर पड़े हैं इन थैली। मैंने इस चीज को पिक्चराइज किया, मैंने इस चीज को सोचा। अब मुझे पूरा वो फ्रेज याद करने की नहीं है, मेरे को उसका जितना भी मैंने अपने माइंड में उसकी पिक्चर बनाई, मैंने एक बहुत बड़ी पिक्चर बनाई उसकी, मैंने एक कलरफुल पिक्चर बनाई, और वो कलरफुल पिक्चर ने मुझे इतना हेल्प किया कि वो मेरे माइंड में रिटेन रही। और ऐसे ही करते हम जितना इसे फनी रखेंगे, जितना फनी रखेंगे वो उतना ही हमें याद रहेगा, हम उतना ही उसे जल्दी रिकॉल करेंगे। अब किसी ने बहुत बोरिंग सा सेंटेंस बना लिया, अब हम क्या करेंगे उस बोरिंग का सेंटेंस का, हमारा रिवाइज करने का मन भी नहीं करेगा। थोड़ा सा फनी बनाओ, कि कहीं बैठे हो किसी दोस्त को बता दिया, कह रहा है ये देख यार ऐसे कर ले याद, बहुत सही रहेगा, तो हम ऐसे याद करते हैं। अब मैं ग्रुप 14 पे चलते हैं, ग्रुप 14 पे कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड। तो अब इसमें क्या है, सब अपने केमिस्ट्री टीचर की शक्ल याद करो, कर ली केमिस्ट्री सर की जैसी तुम शक्ल याद करते हो ना, तो अब याद करो केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। ये जो इनिशियल्स हैं हमारे सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के, मैंने इनको जोड़ जोड़ के एक फनी सा एक चीज बनाई है, ताकि ये हमें खुशी रहे, हम मस्ती करते रहे, हम पढ़ाई के साथ हम उसे जद्दोजहद ना करें, हम उसे एक बहुत ही प्यारे वे में याद रखें, उसे पिक्चराइज करके याद रखें। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम 15 पे, तो आता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटिमी बिस्मिथ। अब मैं इसके साथ करते हैं, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, कैसे याद किया मैंने, नए पड़ोसी आने से सब बिगड़े। अब मैं बायस न्यू किसी उसको लेके जेंडर को, कि बॉय गर्ल, गर्ल के लिए बना सकते हैं हम तो, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़ी, नए पड़ोसन आने से सब बिगड़े, या नए पड़ोसी आने से सब बिगड़ी। जिसको जिसमें जितना फन आता है, जितना मजा आता है, वो जितना मस्ती मजाक से इसे लेता है, हम वैसे ही वो इसको याद करे, वो जैसे इसको याद रखेगा, सब कुछ करेगा, तो हम जितना मस्ती में इस चीज को याद रखेंगे वो हमारे उतने ही माइंड में रहेगा, उसे हम जल्दी रिकॉल करेंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल हम बहुत जल्दी जल्दी याद करेंगे। हम आगे चलते अब 16 पे, तो आता है ऑक्सीजन सल्फर सेलियम टेलियम पोलियम, ऐसे आता है। तो
इसको अगर हम देखें तो पहले तीन एलिमेंट से ऊपर से हम लिखते हैं उससे टीपो, क्या लेते हैं उससे टीपो, और ये तो हम स्टूडेंट्स का राइट है टीपना, तो हम तो यही लिखते हैं उससे टीपो। तो हम एक बहुत ही फनी वे में इसको कन्वर्ट करते हैं, हम इसे पिक्चराइज करते हैं, बहुत बड़ा पिक्चर बनाते हैं हम इसका, बहुत अच्छी एक पिक्चराइजेशन हमें उसे याद रहती है हमारे माइंड में। बराबर। हाँ जी, मैं थोड़ी शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी कि जब मैं छोटा था तो मैंने क्या किया, नाइन्थ क्लास में वो बायो का एक गाना बना लिया, बायो का, ठीक है। हाँ जी। और फर्रे बना के ले गया स्कूल में, पता है फर्रे। हाँ जी। मैंने पकड़ लिया, क्या है क्या है तो समझ नहीं है, देख लीजिए और देखा, तो देखो आज के बच्चे गण भी ख्याल पढ़ते लिखते लिए, मैं किसी को ज्ञान दे दू तो गाने लेके चले गए। ओके सर, जैसे अभी सर ने कहा कि सर ने गाना को याद किया था, तो क्या अगर वो गाना है तो अब वो गाना से क्या है, वो गाना याद क्यों रहा? एक पिक्चर जैसा हमें याद रहती है मूवी हॉल में, क्यों याद रहती है? वो एक बहुत बड़े पर्दे पे अगर हम देख ले हमें जरूर याद रहती है, गाना याद हो जाता हमें बहुत जल्दी। तो ये सब हमें क्यों होती है? क्योंकि हमारे माइंड में जो पिक्चर पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। हम किसी चीज की पिक्टोग्राफी, उसकी फोटो, एक पिक्चर को, हम विजुअलाइजेशन जो हमारी पावर है वो इतनी स्ट्रांग है, बस हम उसे यूज करना चाहें। अब वो यूज कैसे करता है? कोई बहुत सीरियस वे में यूज करता है, और आज हम क्या सीख रहे हैं, हम इसे बहुत फनी वे में करना सीखेंगे, जिससे आपको प्रायोरिटी टेबल ऐसे ही याद हो जाएगा। एस ब्लॉक की आपको मैंने बताई, पी ब्लॉक पे अभी हम थे, तो अभी हमने ग्रुप 16 का बताया उससे टीपो। अब हम ग्रुप 17 पे जाते हैं, बहुत कुछ फनी सा सोचेंगे इस बारे में भी कि इससे हम क्या बनाए, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो अगर हम ऐसा हो गया है कि यार ये याद कैसे करें, यार इसमें भी कुछ फनी बनाते हैं हम, तो इससे है फिर कल बाहर आई आंटी। क्या बनाया मैंने? फिर कल बाहर आई आंटी, मैंने ये बना लिया। अब मैंने हर चीज में बहुत मस्ती से बनाया कि यार इसमें भी ये छोटी सी एक मस्ती डाल दो। और फिर बाद में हम आगे चलते हैं 18 पे, जो हमारी नोबल गैस है उस पे चलते हैं, तो हेलिनियम, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़िनॉन, रिडॉन, ये होती हैं। अब इन नोबल गैस को कैसे लर्न करना है, इसमें भी एक फनी कुछ वे में सोचेंगे, पिक्चराइज करेंगे ताकि वो हमें याद रहे। अब हम उसको कैसे पिक्चराइज करेंगे वो सोचो। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, क्या बोला मैंने? हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, मैंने इसे भी बहुत फनी वे में कर दिया। अब जितना उस चीज में फन डालेंगे, उसमें पिक्चराइजेशन पावर रखेंगे, आपको उतनी जल्दी ही याद रहेगा कि मैं क्या करूं, मैं और फनी बनाऊं इस चीज को। तो जैसे मैंने एस और पी ब्लॉक का बनाया, ऐसे ही आप डी ब्लॉक को जरूर बनाएं। नहीं, देख रहा था। अपनी इमेजिनेशन से बनाएं, जिसमें आपको खुशी मिले और आप उसे याद करें, रिटेन कर सकें। और आप ऐसे डी ब्लॉक के लिए करें, एस ब्लॉक के लिए करें, और जिसको जैसे लर्न करना है। जोरावर जी, जोरावर जी, अनम्यूट करें अपने आपको, अनम्यूट करें। हाँ जी, तो आप माइंड में वो पिक्चराइजेशन बनाए कि हमने क्या फ्रेज बनाया। हलीना ने करी रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, उस चीज को लर्न नहीं करना। अब इसे भी पिक्चराइज करना है कुछ चीजों में कि बेटे ने कार स्कूटर मांगा, यार आपने खुद ने अपने फादर से कार स्कूटर मांगा और पापा राजी हो गए। आपने उसकी पिक्चराइजेशन बनाई ना, एक छोटी सी फिल्म बनाई ना अपने दिमाग में, अब आपको जरूर याद रहेगी, आप नहीं भूलोगे अब उसे। बात यह है हम उसे बार बार रिवीजन करते रहे, उसे बार बार रिवाइज करते रहे। जितनी बार हम उसे रिवाइज करेंगे उतनी बार ही हम उसको याद रख पाएंगे, उतनी ज्यादा टाइम तक हम उसको याद रख पाएंगे। जोरावर जी, आप एक रिक्वेस्ट है, स्टार्टिंग 10 का गाना बना दो, स्टार्टिंग के 10 का गाना बना दो, और एक गाना 1-20 बना दो, दोनों गाने अलग हो, और फिर इनसे गाना। ओके,
मैंने 1 to 10 और 1 to मैंने 20 तक मैंने कोई ऐसे बनाया नहीं गाना वगैरह, उसमें मैंने एक छोटी सी और ट्रिक बनाई, जो हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास हमारा वही है या तो उससे एक ज्यादा है। जैसे हम चलते हैं, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, फिर एटॉमिक मास हीलियम का आता है 4 और उसका एटॉमिक नंबर 2, तो वो उसका डबल है, या तो वो डबल है उसका या वो सेम है। हम आगे चलते हैं, जैसे फोर्थ का, जैसे हमारे पास एक फिफ्थ एलिमेंट आता है बोरॉन। जोरावर जी मैं थोड़ा पॉज करूंगा, आप एक्चुअली 2 मिनट में हमारे पास एक और शख्सियत आ गई है, उनको मैथ्स मैजिशियन कहते हैं, गणित का जादूगर, ये आपको पूरा कैलेंडर याद करना सिखाएंगे इनके बाद, ठीक है। तो 2 महानुभाव आ चुके और ठीक 9:15 पे मैं उनको कमांड दूंगा, आप देखना को मजा आएगा आज। ओके आज हम पूरा प्रायोरिटी टेबल ही लर्न करा मारेंगे, छोटी सी ट्रिक मैंने सबको बता दी। चलो टाइम प्रॉमिस में कमेंट सेक्शन में भाई ज्ञानी से ज्ञान लेके जाएंगे आज, कहा भी तो कमेंट सेक्शन भाई, लगता है बच्चों को तो अगुआ भी नहीं मेरा। अरे चले सामने आओ। यस, हम पूरा नहीं याद कराएंगे, नहीं पूछू, हम आपको होमवर्क भी देना चाहते हैं, तो चाहे तो नहीं। सर, मैंने होमवर्क में बताया, मैंने एस ब्लॉक इन्हें बताया, मैंने बी ब्लॉक बताया, और मैंने डी ब्लॉक के लिए बताया है कि डी ब्लॉक अब आपके लिए होमवर्क है। आप मेरे सोच के आप मेरी चीजें अगर आप वही याद कर लोगे ना, तो आपकी पिक्चराइजेशन पावर थोड़ी कम होगी, मगर जो आप अपने दिल से बनाओगे पिक्चर वो जरूर आप याद रखोगे। रवि जी, इनको आज याद कराते हैं 45 तक पूरा, और 45 तक कल याद करेंगे लोग, ठीक है। दिमाग लगाए, दिमाग को लगाए, कितने बच्चे एग्री करते हैं, टाइप एग्री इन द कमेंट सेक्शन, टाइप एग्री भाई। आप सर, आपके पास थोड़ी दूर से आ रही है, पास है माइक से। मैं कितने चलो एग्री करते हैं, एग्री हम 45 याद करेंगे, प्लीज टाइप एग्री। देखो भैया ने इतना टाइम दिया, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, और तब भी ये बंदा इतना टाइम लेके आया आपके लिए। सभी लोग एग्री करें भाई, आधा सर सिखाएंगे आधा आप करो। Yes, सभी लोग देखिए, सबका कमेंट नहीं आया, 86 लोग है, कम से कम 40 का है तब क्लास आगे बढ़ेगी, 40 का। और एक बार भैया का एक बार अभिनंदन करके लिखिए थैंक्स अ लॉट। एक बार आपने देखो याद किया, केमिस्ट्री वालों का दर्द आप सह सकते हैं, मैं भी, मेरे पास भी साइंस थी, प्लीज टाइप थैंक्स अ लॉट, थैंक्स लिखिए इनका। देखिए इस नए छोरे ने देखिए समय निकाला है, और इसी ट्रेनिंग के बाहर लोग बहुत पैसे लेते हैं, देखिए बहुत पैसे लेते हैं लोग इसके, जबकि ये चीज बहुत ही इजी है। मैं चाहता खुद सिखा देता आपको, पर मैं चाहता एक नया चेहरा आए, नया खिलाड़ी आए, जो कभी मैं ना हूं मैदान में तो मुझे आप समा बांध ले प्लीज। वाओ, व्हाट अ लवली ऑडियंस भाई, आप तुम्हें भूख नहीं लगेगी भाई तुम्हें आज, आप और पेट ऐसी भर जाएगा। चलिए अब आपका टास्क स्टार्ट होता है, 45 इनको विद इन 30 मिनट में याद कराएं। ओके, तो हम पहले याद कैसे करेंगे, हम अब पहले हमने ग्रुप वाइज तो हमने याद कर लिया, अब हमें सीक्वेंस वाइज याद करेंगे। सीक्वेंस वाइज याद करने के लिए हम इसे 5-5 के ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 5-5 के ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। तो हम स्टार्ट होते हैं 5 से, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरॉन, हम 5 पहले याद करेंगे। देखिए दो चीजें होती हैं, एक आप ग्रुप वाइज याद करें और एक आप सीक्वेंस वाइज याद करें। ग्रुप वाइज याद करने के लिए मैंने आपको अपनी ट्रिक्स बता दी हैं, आप उन और उसी इनिशियल से आप एक ऐसा फ्रेज बनाएं, एक फनी पिक्चर बनाएं जो आपको हमेशा याद रहे। और सेकंड, अब हम याद जो करेंगे, जो मैंने अपने पर्सनली किया था, मेरे को बहुत एक अजीब सी प्रॉब्लम ही कह लो कि मेरे को लिख के याद करने की आदत है, मैं उस चीज को देख के नहीं पढ़ता,
मैं उसे 10 बार लिखता हूँ, मैं उसे 20 बार लिखता हूँ, इनफैक्ट कभी कभार मैं 50 बार भी लिखता हूँ। और मैं क्यों लिखता हूँ, मुझे लिख लिख के याद जरूर हो जाता है। वैसे ही मैंने ये पांच, जैसे पांच पांच में डिवाइड करे थे, इन पांच को मैं लिखता रहता था। जैसे मैंने आज जल्दी से पांच याद करे, ओके, फिर नेक्स्ट पांच, फिर नेक्स्ट पांच के बाद वापस 10 लिखता था, फिर नेक्स्ट पांच, फिर मैं 15 लिखता था, फिर नेक्स्ट पांच मैं 20 लिखता था। वो मेरे बार बार रिकॉल होते थे और मुझे याद होते थे। तो हम पहले 30 तक याद करते हैं, 5-5 करके हम 30 तक याद करते हैं। बहुत छोटा सा एक टाइम लगेगा इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हमने पांच याद करे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, पांच। अब हम इसको नेक्स्ट 5 स्टेप में चले जाते हैं। फिर से हम पहले फर्स्ट 5 में जाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। मैंने उसे ऐसे याद करा, बार बार मैंने रिवाइज किया, रिपीट किया, मैंने उस चीज को लिखा और वो मेरे को याद हुआ। ग्रुप वाइज याद करने में बहुत तकलीफ आती है, एंड सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम यूज होते हैं तो ग्रुप वाइज बहुत ही काम आता है। तभी मैंने उसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाई और वो बना लिया। अब जब हम ये बना रहे हैं सीक्वेंस वाइज, तो ये तो हमें नेम्स के साथ लर्न करने पड़ते हैं। कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, कितने हो गए, 10 हो गए। वापस से हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हमारे 10 हो गए। फिर से हम 10 याद करते हैं, बार बार रिपीट करेंगे, हम बार बार रिवाइज करेंगे उस चीज को, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि वो बहुत बड़ा ना लगे हमारे लिए। हम एक साथ 30 लिख देना, आधे बच्चे अभी छोड़ जाएंगे कि नहीं पढ़ना यार, 30 कौन करेगा, क्यों करे याद। 5-5 करके याद करो, जरूर बहुत जल्दी याद होगा। छोटे छोटे टास्क में करो और उन छोटे टास्क को जल्दी से अचीव करना सीखो, आपको बहुत जल्दी याद होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हमने 10 याद कर लिए। अब हम नेक्स्ट 10 पे चलते हैं। वो उसको कैसे याद कर रहे हैं, हम उसको भी 5-5 में डिवाइड कर देंगे। कैसे, अब उसका 5 अगला बनता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। 5 में फिर से बताता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। अब मैंने क्या किया, फिर से इसे छोटे पार्ट में डाल लिया। मैं रिकॉल करूंगा, मैं फिर से फर्स्ट से रिकॉल करूंगा, मगर मैं अब मैं बार बार उसे क्यों रिकॉल करूंगा, ताकि वो मेरे माइंड में रहे, मैं बार बार उसे याद करता रहूं। जितनी बार हम उस चीज को रिवाइज करेंगे, वो चीज जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जल्दी आएगी। फिर से करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। 15 हो गए, कितने बचे, बस 15 और। 15 को भी कैसे याद कर रहे हैं, 5-5 के मैं 3 ग्रुप में बांट देता हूं फिर से। अब हम याद करेंगे 15-20। ओके, अब ये कैसे याद करना है, आ जाते हैं, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मैंने फिर से इसे 5 में बांटा, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैंने 5 में इसे भी डिवाइड कर लिया। अब जितनी चीजें को छोटे छोटे गोल्स में बनाएंगे, उन छोटे गोल्स को जितनी जल्दी आप अचीव करेंगे, आपके लिए वो उतना ही बेहतरीन होगा। आप उतनी जल्दी उस चीज को याद कर पाएंगे, उतनी जल्दी उसको बाद में रिकॉल भी कर पाएंगे। ओके, चलो अब हमारे कितने हो गए, हमारे 20 तक हो गए, 10 और बचे हैं बस। 10 को भी कैसे मैं याद करूंगा, वापस से 5-5 के इस ग्रुप में डिवाइड कर लूंगा मैं इस चीज को। 5 में कैसे, ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंने ये याद कर लिए 5। अब मैं फिर से इन्हें बार बार रिपीट करूंगा, मैं इन्हें लिखूंगा। आप छोटे गोल्स बनाएं, उन छोटे को लिखें बार बार, और फर्स्ट से याद करें हर बार। हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे हम, और फिर खत्म कहां से करेंगे, चलते चलते जिंक पे, जो हमारा है 30th एलिमेंट। ऐसे ही करते करते आप छोटे छोटे उसमें हम याद करेंगे। अब लास्ट 5 जो हमारे बचते हैं, उसे हम करते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्या हुआ, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ओके, तो अब अगर हम वापस से बोले हमें कोई, यार फर्स्ट से सुना दे एक बार फिर से,
क्या है, क्या कैसे याद कर रहे हैं? वही पांच पांच से जो हमने लर्न किया था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस. फिर आगे चलते हैं, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमी, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. मैंने क्या किया, 30 थे, पांच पांच के ग्रुप में डिवाइड करा, उसे याद करा, बार बार रिसाइट करा. मैं अभी जो बोल रहा हूँ आपको लग रहा है ये कितने फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले से इन्हें पांच के ग्रुप में डिवाइड किया, उन पांच को मैंने बार बार याद किया, बार बार मैंने रिकॉल किया. और जैसे ही मैंने इस चीज को रिकॉल करा और मैंने क्या किया, इस चीज को जैसे ही मेरे माइंड में ये चीज आ गई कि हाँ ओके ओके आई एम डन आई एम डन आई एम डन, और मैंने सब कुछ करने के बाद अपने फर्स्ट 30 एलिमेंट्स याद कर लिए. ग्रुप वाइज तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा जो मैंने आपको ट्रिक बताई. और अगर आपको सीक्वेंस वाइज करना है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, उन छोटे पार्ट्स को बार बार रिवाइज करें, उन्हें लिखें, और आपको जरूर जरूर इस चीज का मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जरूर पूरा पीरियोडिक टेबल ऑन योर फिंगर टिप्स आ जाएगा. हेलो सर, एक सेकेंड, हम सर से एक बार फिर करते हैं. हेलो सर, ये तो लगता है कि सर अभी कुछ कहीं इधर उधर है. सर आप हैं अभी? अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है कि मैं ये चीज कैसे याद करूं, या ये चीज को मैं कैसे लर्न करूं, रिवाइज करूं, मैं कैसे कुछ कुछ भी, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे जरूर पूछे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा. एनी क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के ऊपर, आपको कोई भी क्वेश्चन है कि हमें कैसे लर्न करें, इसमें दुखी हो गए, इसमें ये हो गया, इतना बड़ा कौन कैसे, सब कुछ मैं बताऊंगा. आप मुझे बताएं कि क्या कोई आपका क्वेश्चन है दिल में, कुछ भी, कोई भी बात. ओके, तो विष्णुस फैमिली ने लिखा कि मेरा मन नहीं लगता स्टडी में. ओके, तो सबसे पहले मैं मन के लिए एक बार बताता हूं क्या होता है कि मेरा भी मन नहीं लगता कभी कभार पढ़ाई में. जैसे मैं करता हूँ, मैं पढ़ने बैठा आज अपने टब्बी टेबल पे, मैंने अपना पेन पेंसिल उठाया, मैंने लिखना स्टार्ट किया, मैंने पढ़ाई में स्टार्ट किया, जैसे मैंने पढ़ना लिखा तो मैं जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैंने क्या किया कि यार मन नहीं लग रहा, छोड़ दिया पेंसिल वेंसिल और मैं चल दिया बाहर. बट ना फिर मैं क्या सोचता हूँ कि जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन क्या होगा. आप खुद सोचें, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन क्या होगा, या तो घर में पिताजी लड्डू का डब्बा लेके आएंगे, या तो आपको पता दूसरा. तो फिर क्या करना है, ये कोई डर के नहीं पढ़ना, हमें हमें सोचना है. अगर मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूं तो मैं सोचूंगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा. ओके, मैं डॉक्टर किस में बनूंगा, मैं एक आर्मी फील्ड में डॉक्टर बन गया, मैं आर्मी में चला गया. ओके, आई विल बी हैविंग अ रॉयल लाइफ, एवरीथिंग विल बी अ रॉयल, मेरे पास स्टार्स होंगे मेरे शोल्डर्स पे, एक रिस्पेक्ट होगी. और यही सब हम सोच के, यही सब हम याद करके, हम वापस मन लग जाता पढ़ाई में कि यार आप पढ़ लो यार, क्या करेंगे फ्यूचर में. आपको अपने माइंड को कंसेंट्रेट रखना है कि क्या होगा. यही होता है हमारा न्यूरल पाथवे, यही होता है न्यूरल पाथवे. आप न्यूरल पाथवे में ये बात बना ले कि यार हम सक्सेसफुल होंगे, सक्सेसफुल होने के बाद हम कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, अच्छा गाड़ी खरीदेंगे, कौन सी कार, विच कार, फिर हम बोलेंगे विच कलर, विच मॉडल, विच फीचर, या वो स्मेल जो हम नई गाड़ी में बैठ के आती नहीं एक स्मेल, वो अगर हम सब उस सब को विजुअलाइज करें हमारे माइंड में, हम उसे सोचे कि यार ये चीज तो इतनी बढ़िया लग रही है यार, एक नई गाड़ी होगी मेरे पास, तो आपका माइंड आपको कंसेंट्रेट करेगा उस जगह पे.
और जब आप उस चीज पे कंसंट्रेट होगे ना तो आपका मन भी लगेगा, दिमाग भी लगेगा। ओके तो अब हम नेक्स्ट, किसका क्वेश्चन आया है, मुझे लॉन्ग आंसर्स याद नहीं होते। ओके तो लॉन्ग आंसर्स याद करने के लिए क्या ट्रिक है? नथिंग, एक पेपर पकड़ो, एक पेंसिल पकड़ो, लिखना शुरू हो जाओ, जो याद करना है उसे लिखो, उसे रिवाइज करो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो। क्यों? क्योंकि आप जितनी बार उस चीज को लिख रहे होगे, वो पिक्चर आपके माइंड में, आपके कॉन्शियस ब्रेन में याद होने लगेगी। और जितनी बार आप उस पिक्चर को बनाओगे, वही बात जो मैं पीरियोडिक टेबल से लिंक करता हूं, कि पीरियोडिक टेबल की जो बताई हुई मेरी वो सारी छोटी छोटी बातें थी कि हम इसे पिक्चर बना लें, तो अगर हम लिख लिख के उसे पिक्चर बना के अपने माइंड में स्टोर रखेंगे ना, वो हमें हमेशा याद होगी, चाहे कितना बड़ा आंसर हो। तुम अपने दिमाग को ना छोटा मत समझना, ये बहुत वास्ट है। जिस तरीके से एक एप्लीकेशन बताया था अभी मैंने, कि एक फोन में 10 या 20 एप्लीकेशन डाल दो ना तो स्मार्टफोन बन जाता है वो, उसे हम स्मार्टफोन कहते हैं, वाह वी हैव अ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन आईफोन ये वगैरह। तो फिर सोचो 20,000 एप्लीकेशन तो ऑलरेडी डाउनलोडेड है आपके माइंड में, तो आप सोच सकते हो आपका माइंड कितना पावरफुल है। ओके हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू रिमेम्बर। ओके आपका सेशन, बच्चों लोग एक पोल पे प्लीज क्लिक करना आप लोग प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट 68 लोग हैं, मिनिमम आई वांट 54। जब तक 54 नहीं लिखेंगे तब तक क्लास आगे नहीं जाएगी। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज, ये बच्चा इंडियन आर्मी जाना चाहता है, तो फैंक विद यू, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, भविष्य में आपको शुभकामनाएं। बट मेडिकल की पढ़ाई में अपने आपके लिए टाइम निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आई रिक्वेस्ट, कंजूसी ना करें साहब, कंजूसी ना करें, रेट करने में कंजूसी भाई, ऐसा ना भाई, हिंदुस्तानी तो देने के लिए मशहूर है, दीजिए रेटिंग जो मन हो इच्छा दीजिए। सर अभी पारा नहीं चढ़ा, 67 है, 37 हुए, मैंने कहा मिनिमम 54 जाना चाहिए, मिनिमम 54 तभी तो मजा है भाई, 54। आप सबसे अनुरोध है, अभी क्या बचा है, अभी सौरभ जी आएंगे मैथ्स के जादूगर, जो पूरा का पूरा साल का कैलेंडर आपको चुटकियों में याद करा देंगे। रुकिए रुकिए, अभी तो पिक्चर भी तो ट्रेलर देखा आपने साहब, पिक्चर तो बाकी है, पिक्चर तो बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, पिक्चर देखने तो आपको थोड़ी देर और हमें झेलना पड़ेगा, अभी भी कम नहीं हुआ। बहुत भाई क्या बात है, और जम लगाइए, 43 में कम से कम 54 चाहिए, 54। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज रेट करें, प्लीज प्लीज रेट करें, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज, अभी भी कम हो प्लीज। देखिए सब लोग रेटिंग करें, कितने अच्छे लोग हैं लोग, प्लीज 70% ही वोट किया भी भाई, पारा चढ़ाइए। अगर आप अपने बच्चों के 90% लाना चाहते तो यहाँ भी 90% का बार दिखना चाहिए, तब तो फायदा सर, तब तो फायदा है, तब तो फायदा है। 73 पार आ गया, अभी मजा नहीं आया, और पारा चढ़ाइए, 73% नहीं ज्यादा पार होना चाहिए। आप देख लिए गोल आता जा रहा हमारे पास, 6 लोग बचे बस, 6 लोग प्लीज, 6 लोग 54 तक, 6 लोग 6 लोग 6 लोग बचे प्लीज, 6। अले आलस छोड़िए, लिख दीजिए, आलस छोड़िए, आइए मैदान में आइए, सभी से अनुरोध, जल्दी 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 जल्दी, अभी भी नहीं पारा भरा, कहीं सो तो नहीं गए आप लोग, तनिक उठ जाइए, सभी से अनुरोध है, सभी से, अभी भी नहीं हुआ, 70% में कांटा अटक गया है, प्लीज वोट वोट वोट, जल्दी 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 अपना रेटिंग दीजिए, रेटिंग रेटिंग, यस केवल कुछ रह गए हैं, कुछ लोग रह गए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज 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 वोट कीजिए। ये सेशन मैं कड़वी बात बोलना चाहता हूँ, ये सेशन अगर पेड होता तो भाई साहब केवल 1 मिनट में रेटिंग आ जाती, पर ये सेशन फ्री है तो लोगों का तकलीफ हो रही है रेटिंग देने में।
बहुत कड़ी बात बोल रहा हूँ, अगर एक पीरियड होता ना साहब, एक मिनट में लोग रेटिंग देते, 3 मिनट होने जा रहे हैं, रेटिंग देने में लोगों के हाथ दर्द कर रहे हैं साहब। इसीलिए मैं प्लीज कहता हूँ, प्लीज वोट कीजिए। बच्चा देखो कितनी टाइम देके आपको आया है, प्लीज अभी भी नहीं हूँ 54, मिनिमम 54 नहीं हूँ तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा बिल्कुल। मैं आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन नेचर। वोट तो कीजिए साहब, अभी भी नहीं हुए, प्लीज प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज वोट, वोट कीजिए सर, वोट कीजिए, वोट कीजिए, वोट कीजिए, वोट कीजिए। इस 4 मिनट में तो कोई बंदा चाय पी के आ जाएगा आराम से, इतना समय लग रहा है साहब, इतना समय लग रहा है exactly. अब मुझे यकीन नहीं होगा ये लोग टाइम पे याद कर पाएंगे या करेंगे नहीं करेंगे सर। सर जरूर याद करेंगे, अगर किसी को ट्रिक जैसे जो मैंने ग्रुप वाइज बताई थी, हाँ, उन्हें फ्रेज बताया था, अगर आपको कोई कांटेक्ट करता तो मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ। कुछ लोग बचे हैं अभी, प्लीज सभी लोग, सभी लोग देखिए, आप लोग बात आपकी मान रहे, देखिए बात मान रहे हैं, प्लीज सभी लोग, अभी पारा चढ़ा ही नहीं साहब, अभी तक नहीं सो रहा भाई। अरे उठो, जागो 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 जागो, अरे जागिए प्लीज, लिखिए लिखिए लिखिए। 4 मिनट 40 सेकंड हो गए साहब, कुछ लोग अभी तक सो रहे हैं, अरे जागिए जागिए जागिए, वोट कीजिए, रेट कीजिए। मैं आपकी किडनी नहीं मांग रहा आपसे, मैं केवल वोट मांग रहा हूँ आपसे, प्लीज वोट कीजिए, वोट कीजिए, रेट कीजिए, रेट कीजिए, रेट कीजिए, प्लीज रेट कीजिए, प्लीज रेट कीजिए। और थैंक्स अ लॉट, ये मैं एंड करता हूँ ये पोल, लुक एट दिस फिगर, और शेयर करता हूँ रिजल्ट में। 67% कह रहे हैं एक्सीलेंट, 25% कहते हैं गुड, 7% कह रहे हैं एवरेज। जो लोग पुअर कह रहे हैं प्लीज, दो लोग मैं चाहता हूँ इंडिविजुअली हमें कॉल करें और कारण बताएं क्या हमें इंप्रूवमेंट करनी है। आप हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट हो जितने एक्सीलेंट वाले हैं, ठीक है। आई रिक्वेस्ट दैट द 2% प्लीज कॉन्टेक्ट अस एंड गिव अस योर फीडबैक, व्हाई यू गिव पुअर रेटिंग, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेटिंग द पुअर, हमें प्लीज बताइए, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम आगे सेशन स्टार्ट करते हैं, ये सेशन इंटरेक्टिव रहेगा, आपको बहुत मजा आएगा। और क्या जोरावर जी आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए सर। हाँ जी, हाँ जी सर, सर अब क्या चलना है आगे वो बताएं आप, अब आगे कैसे लर्न, आगे क्या लर्न कराना है, कौन सी ट्रिक बतानी है, कौन सा ऐसा राइम बताना है जिससे याद रहे, बताएं। ओके चलिए, आप इतना साथ दिया, आपका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन, बहुत अच्छा लगा, आप रहिए हमारे साथ, अभी तो पिक्चर बाकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक मैथ्स मैजिशियन को कॉल करता हूँ। सौरभ जी आप लाइन पे हैं, सौरभ जी, सौरभ जी, सौरभ शायद लाइन पे है नहीं अभी, 2 मिनट रुक जाओ सौरभ, मुझे मैसेज कीजिए प्लीज। नहीं सौरभ जी लाइन पे नहीं है शायद। ओके मैं आपको सबको अनम्यूट करूंगा, चिंता ना करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगा जरूर। ओके अब पहली बात बताना चाहूंगा कि ये तो केवल ट्रेलर था अभी, अब इसके आपको पिक्चर देखिए, इसके आगे की वो भी पिक्चरें बहुत अच्छी हैं। तो हमारे पहले सेशन में क्या था कि भाई कैसे हमको स्पीड रीडिंग के माध्यम से पीरियोडिक टेबल कैसे याद करना है। अच्छा मोबाइल नंबर कौन याद करना चाहता है, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, टाइप मोबाइल इन द कमेंट सेक्शन, टाइप मोबाइल, टाइप मोबाइल, टाइप मोबाइल, यस टाइप मोबाइल प्लीज, टाइप मोबाइल। ओके मोबाइल के बताएंगे, मुझे एक बात बड़ी दुख के साथ कहनी पड़ती है, मैं कहना नहीं चाहता था, मैंने मेमोरी ट्रेनिंग के सेशन बहुत ले चुका हूँ पर मुझे रिजल्ट नहीं दिख रहा। जो पहले में आते हैं वो दूसरे में नहीं आते, और दूसरे में आते हैं तीसरे में नहीं आते। मैं इसके पैसे नहीं लेना चाहता, दिली तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा दिल रोज आता अगर पैसे लूँ उसके, पर मैं देखता हूँ फ्री की लोग कदर नहीं करते कई बार, लेकिन डंगन डले। इसीलिए मैं एक उसूल अपना तोड़ रहा हूँ आज, मैंने कसम खाई थी मेमोरी का पैसा नहीं लूंगा, पर श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी भीष्म पितामह को, समय के अनुसार प्रतिज्ञाएं भी बदलती हैं, ठीक है,
जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा लोग पहले बदलती है पहले yes, पहले वेबिनार में आते हैं आधे दूसरे में नहीं आते चौथे दूसरे में नहीं आते तो मुझे लग रहा है कि या तो मुझ में कमी है या सामने जो ऑडियंस बैठी है उसमें कमी है। बहुत मतलब कड़ी बात बोल रहा हूँ, सकता आपको अजीब लगे, ये बहुत ही मेरे लिए एम्बेरसमेंट की बात है कि हम रात में 3 बजे बैठ के आपके लिए वेबिनार कर रहे हैं और कुछ लोग कमेंट में लिखेंगे यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ये मेरे हिसाब से मैं उनको क्या उपाय दूं पता नहीं, मैं क्या बोलूं, ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए कि हम इतना इंटरेक्टिव सेशन दे रहे हैं। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू गिव यू समथिंग वैल्यू, बट फ्री के चक्कर में लोग इसकी वैल्यू नहीं ले रहे। तो आज मैं अपनी पॉलिसी चेंज करता हूँ साहब, रेटिंग देने 5 मिनट लगा देते हैं लोग, लालत ऐसे लोगों पे, जो लोग एक्सलेंट इन्होंने दिया उनको वेट कर रहे हैं साहब। आप में एक कहावत है पा हिंदी में, डूब मरो, है ना, डूब मरो। तो आज से फ्री सेशन हम बंद करते हैं, टोटल स्टॉप, मुफ्त में नहीं मिलेगा आपको आज से। हाँ वो फ्री सारा आपका पैसा आएगा वो सीधा हम डोनेट करेंगे पूरा, वो दिखाएंगे आपको कितने लोग रेडी है इसके लिए, कितने लोग रेडी है, ताकि आप जो लोग पैसा देना चाहते हैं वो सफर करते हैं बेचारे इसके लिए। स्ट्रक्चर हम पेमेंट ले लेंगे तो हमें मजबूरन देना पड़ेगा, फ्री में कुछ लोग आते हैं कुछ, कितने लोग रेडी हैं, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, यस ओके, हाउ मेनी वांट टू पे, पे पे करना चाहते हैं, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, पे, टाइप पे इन द कमेंट सेक्शन, ओके। मैं इसका कॉस्ट ऐसा बताऊंगा जो मार्केट में अनबीटेबल, कोई लोग नो लिख रहे हैं साहब, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इट इज अप टू, ये भी ऑप्शन आपके पास देंगे। हम एक सेशन ला रहे हैं 7 डेज की ट्रेनिंग का, 7 दिन की ट्रेनिंग का, और 7 दिन की ट्रेनिंग का कॉस्ट होगा 501 रुपया, 501 रुपया, 100% रिफंडेबल, 100% रिफंडेबल। अगर आप एक दिन भी नहीं आए तो 250 काट लूंगा, होमवर्क नहीं किया तो 250 काट लूंगा, लेट आए तो 250 काट लूंगा। कितने लोग आना चाहते हैं, टाइप यस कमेंट सेक्शन, टाइप यस, कान यहां से नहीं तो यहां से पकड़ लो साहब, कान ही तो पकड़ना है, टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, यस बहुत अच्छा। अब इस 7 दिन में हम क्या कराएंगे आपको, हम आपको मेमोरी ट्रेनिंग की डिटेल सेशन देंगे, जबरदस्त सेशन, और साथ में वैदिक मैथ्स के वो सेशन देंगे कि हवा में क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लोगे, वैदिक मैथ्स का भी कॉम्बिनेशन और उसका भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जो लोग आना चाहते हैं वो आइए, आपका स्वागत है इस सेशन में, इस सीजन में और पढ़ाना चाहता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टार्ट करने वाले हैं आने वाली 1 तारीख को स्टार्ट होगा, इसके सेशंस होंगे देर रात, ठीक है ना, देर रात, सब बच्चे पूछ आपने, रात के 9 बजे सेशन होंगे इसके, 9 बजे, 9 से 10, सबसे अच्छा टाइम बच्चों के लिए 9 से 10, ठीक है, नहीं तो कोई स्कूल में है कोई कॉलेज में, बच्चे लोग अग्री करते हो टाइप अग्री इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो कोई कोचिंग जा रहा है कोई कुछ कह रहा है, यस ओके रघु जी ने बहुत बढ़िया ओके किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस सर। आप कुछ लोग कह रहे हैं डाउनलोड नहीं, ये वीडियो डाउनलोडेबल नहीं होंगे, लोग कह रहे हैं बाद में देख लेंगे, नहीं है, लाइव रहेंगे, अगले दिन सेशन वीडियो देख सकते हो, उसके 24 घंटे बाद गायब हो जाएगा, चलिए ओके चलिए, नहीं सर लेट 8 to 9 हमारे पेड सेशन रहते हैं, नहीं कर सकते सर ये। तो इस सेशन में एक खास बात होगी, 7 डेज का सेशन होगा, वैदिक मैथ्स और मेमोरी ट्रेनिंग। मैं दिली तौर से आज लगभग रो गया हूँ एक तरह से जोरावर जी, मैं लगभग कई महीनों से, 1 महीने ज्यादा हो क्या, बहुत सेशन किए बट रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं पैसे चार्ज नहीं कर रहा, दिली तौर से मैं चार्ज नहीं करना चाहता, बट कुछ अच्छे लोग बहुत हैं पर उनकी कुछ लोगों की वजह से अच्छे लोग भी सफर कर रहे हैं, वो मैं नहीं चाहता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लिंक देता हूं, आप पेमेंट कर सकते हैं। एक क्लास में केवल हम 25 बच्चे रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं, द क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट द क्वांटिटी, ऑब्जेक्टिव क्वालिटी का है क्वांटिटी का नहीं है, ये बेहद जरूरी है। आप पैसा दिए पैसा आपका है पर टाइम पे काम करना है। बिटिया फोन देना मेरा, सारिका फोन देना। तो पहली बात आपको पूरा राइटअप दे देंगे, आप राइटअप देख सकते हो, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो कि सत्या 3 दिन हो गए मुझे सेटिस्फाई नहीं हूं, यू कैन टेक योर 100% मनी बैक,
पूरा पैसे आप लेके जा सकते हो, मुझे आपके पैसा नहीं चाहिए। हाँ, पूरे ट्रेनिंग के बाद सोचते हो कि सत्या वैल्यू मिली है, आप उस पैसे को डोनेट भी कर सकते हो, ठीक है, आप डोनेट भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। तो जो भी यहाँ देना चाहते हैं, 501 रुपए मेरे साथ ज्यादा नहीं है, 501 रखने कुछ खास कारण भी है, ओके? तो देना चाहते हैं, टाइप 501 इन द कमेंट सेक्शन, टाइप 501, टाइप 501। टाइप 501। देखिए ये वो लोग हैं जो देखिए कितना बड़े से लिखा है, भाई साहब एक दिन का पिज्जा 555 का आता है। सर मैं मानता हूँ पिज्जा 555, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको सिखाना, हम चाहे 15,000 लेंगे तो ऐसे लोग हैं 15,000 पे कर सकते हैं, पर ऑब्जेक्टिव वो नहीं है सर, ऑब्जेक्टिव वो है ही नहीं है सर। तो आपके सामने पेमेंट लिंक आ रहा है, यू कैन पे और आप रजिस्टर कर सकते हैं। विंडोज आपकी खुली है रात के केवल 10 बजे तक, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे, ठीक है? मैं आपको पेमेंट लिंक दे रहा हूँ, यू कैन पे, यू कैन रजिस्टर, यू कैन पे, यू कैन रजिस्टर। आपके पास पेमेंट लिंक आ चुका है, यू कैन पे द अमाउंट और रजिस्टर कर सकते हो। पे यू मनी का लिंक है, विजिबल होता है, अगर पे यू मनी नहीं है तो आप इस पे इस नंबर पे पेटीएम कर सकते हो। फोन पे का, फोन पे नहीं करना प्लीज, पेटीएम, पेटीएम वैलेट में करना, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। एक ने लिखा है यू आर नॉट प्रोफेशनल ऑन ऑन लैंग्वेज। मैम प्रोफेशनल चाहिए तो प्रोफेशनल के पास चले जाओ, हमने सबका ठेका लेकर नहीं रखा, आप प्रोफेशनल चाहिए प्रोफेशनल के पास चले जाइए तसल्ली से, आपका स्वागत है सर। प्रोफेशनल चाहिए वहां चले जाइए, स्वागत है आपका। चलिए बिल्कुल ठीक है, वहां लोग जाके 15,000 दे देंगे या 500 रिफंडेबल दे रहे तो लोगों को मतलब खुजली हो रही है। ओके, मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ, सकता आज अजीब लगे, आज पूरा देसी स्टाइल में आ गया हूँ मैं। ये है, यू कैन पेटीएम और कर सकते हो, यस। फर्स्ट 10 बजे तक विंडो खुली हमारी, 10 बजे तक, यस 10 बजे, पेमेंट डन, पेमेंट डन। प्लीज विंडो आपकी ओपन है, प्लीज आप चाहे पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास विंडो ओपन है। लास्ट हमारे पास लगभग 3 बुकिंग आ चुकी हैं और हम 5 मिनट तक विंडो ओपन करके रखेंगे। 5 मिनट में हमारे साथ सौरभ जी जुड़ रहे हैं। सौरभ जैन जी, आर यू ऑन द लाइन? हैंड रेस कीजिए सौरभ जी। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं क्या पढ़ाएंगे एक बिंबिक सर, हम सर हम और ऑप्शन नहीं दे सकते, हमें ट्रैक करने बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है ट्रैकिंग में। पे यू मनी आप आराम से पे कर सकते हैं, कुछ टाइम लगेगा बट इजी रहता है सबके लिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पे यू मनी कीजिए। अच्छा, ये मैथमेशियन हमारे पास आ चुके हैं। सौरभ जी आपको मैं म्यूट करता हूँ, आपको मैंने कोच बना दिया है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रघु राम लिम्बंग जी, कुछ आप कहना चाहते हैं इस पे कि हमने ये पेमेंट क्यों रखा है? प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। रघु जी रेज योर हैंड प्लीज। रघु राम लिम्बंग, रघु जी प्लीज अपना कमेंट दें। आपको नमस्कार। हाँ, अब ये मत कहना सत्य, आप तो प्रतिज्ञा तोड़ दी, मैं क्या करूं, मैं मजदूर हूं सर। नमस्कार, ये जो मेमोरी है इट इज स्मार्ट वर्क, इट इज नॉट सम हार्ड वर्क। अब टेलीफोन को याद करते हैं, टैबलेट को याद करते हैं, डेट को याद करते हैं, ये सब तो फिंगरप्रिंट में। इफ यू वांट टू बी हैप्पी बी एज ए चाइल्ड, जैसा कोई भी नया चीज करते हैं हमारा ब्रेन फर्दर डेवलपमेंट होती रहती है। तो हमारा ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं सिर्फ ओनली स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस ओनली,
ओके सौरभ जी, अपने वीडियो पे आइए सर आप। ओके सर, ओके ओके सत्या जी मेरी आवाज आ रही है साफ साफ? यस सर। ओके चलिए सौरभ जी, इन बच्चों को पहले आप इंट्रोडक्शन, बाद में अपना एक्सटेंड करके दिखाइए। सर ऊपर वाले को मैं करता हूँ डेली याद, और सबसे पहले मार्गदर्शन गुरु का और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत 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 धन्यवाद। सर सच में बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, और जोरावर जी ने आज जो जोरदार धमाका किया हुआ है मेमोरी का, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी। तो बागों में आम है भी कच्चा, ईश्वर का बनाया हर बच्चा होता है सच्चा, इंटेलिजेंट है हमारा हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, और सच में मुझे आप सभी से मिलकर लगा बहुत ही अच्छा। मैं आप सभी का दोस्त, मैं आप सभी का बड़ा भाई, मैं आप सभी का छोटा भाई सौरभ जैन, मैथमेटिक्स मैजिशियन, एक बार फिर से सत्या जी की तरफ से, मार्गदर्शन गुरु की तरफ से बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सिंपली मैं वैदिक मैथमेटिक्स ट्रेनर हूं अलॉन्ग विद मैथमेटिक्स सेंट्रल ट्रेनर। तो अभी मैं अपनी आंखें बंद कर ले रहा हूं, आपको अपना हैप्पी बर्थडे टाइप करना है कमेंट बॉक्स में, हम उसका डे बताने का प्रयास करेंगे विद इन अ सेकेंड। मैं आपका हैप्पी बर्थडे का डे बताऊंगा पलक झपकते बिना कैलेंडर देखे। तो एक्टिविटी नेम इज 2020 कैलेंडर अमेजिंग मैजिक। ये मैजिक नहीं है, सारा वैदिक मैथ्स है जो हम 7 दिन के कोर्स में थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका हैप्पी बर्थडे 3 मार्च को आता है, तो आपको 3 मार्च लिखना है, तो मैं 3 मार्च को ट्यूजडे कहूंगा। आपको केवल डेट और मंथ लिखना है, मैं उसका डे बताऊंगा पलक झपकते बिना कैलेंडर देखे। तो फर्ज मानो आपका बर्थडे आता है 15 अगस्त को, तो आपको कहना है 15 अगस्त, तो मैं कहूंगा सैटरडे। हम केवल 2020 के कैलेंडर की बात कर रहे हैं, अभी हम हर साल के कैलेंडर में नहीं जा रहे। सत्या जी मैं अभी आंखें बंद कर रहा हूँ अपनी, या आपको तो मैं रुमाल लगा लेता हूँ अपनी आंखों पे, बताओ सर क्या करना है। जी जोरावर जी लाइन पे हैं आप सर? जोरावर जी लाइन पे नहीं है, चलो मैं बोलता हूँ सर। चलिए ओके सर, अभी सर मेरी आंखें बंद है, मेरे पास कोई आसपास कैलेंडर नहीं है। 26 सितंबर 26 सितंबर सैटरडे। वाह। 3 जुलाई 3 जुलाई फ्राइडे। 14 अगस्त 14 अगस्त फ्राइडे। 13 अप्रैल 13 अप्रैल मंडे। ओके 2 मई 2 मई सैटरडे। 14 जनवरी 14 जनवरी ट्यूसडे। 20 नवंबर 20 नवंबर फ्राइडे। 9 फरवरी 9 फरवरी संडे। 10 मई 10 मई संडे। और बस थक गए, और लोग बोलिए सर, और लोग बोलिए। 7 नवंबर 7 नवंबर सैटरडे। 20 जुलाई 20 जुलाई मंडे। 19 नवंबर 19 नवंबर थर्सडे। 11 जुलाई 11 जुलाई सैटरडे। 21 नवंबर 21 नवंबर सैटरडे। 4 अगस्त 4 अगस्त ट्यूसडे। 11 सितंबर 11 सितंबर फ्राइडे। 10 सितंबर 10 सितंबर थर्सडे। 20 जनवरी 20 जनवरी मंडे। ओके बच्चा लोग, अगर इससे सेटिस्फाइड हो प्लीज टाइप क्लैप इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज टाइप क्लैप इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज टाइप क्लैप। एक्चुअली में यहाँ पे ना अमेजिंग की कोई बात नहीं है, ये ना एक बड़ा सिंपल सा वैदिक मैथ्स का एक फॉर्मूला है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए आपके बच्चे, पेरेंट का सबसे बड़ा सपना क्या होता है, मेरे बच्चे एकेडमिकली अच्छे बने कम से कम। ओके आप में से कौन ये ट्रिक सीखना चाहते हैं अभी तुरंत टाइप इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ, टाइप राइट नाउ या आर टाइप करें, आर एन टाइप आर एन वाओ टाइप आर एन, बहुत मजा आया सबसे अच्छा लगा मुझे आज। यस टाइप आर एन इन कमेंट सेक्शन, टाइप आर एन। ओके ओके चलिए सौरभ जी। हाँ जी सर, वो जो ट्रिक है इन बच्चों को सिखा दीजिए आज। ओके सर, किसी ने कमेंट में पूछा है मुझसे कि आप 7 दिन में क्या कराएंगे। हाँ जी मेमोरी हम क्या करा रहे हैं, हम देख रहे हैं आपको राइटअप पहुंच गया आपके पास, ठीक है करा रहे हैं सब कुछ है, और वैदिक मैथ्स की 2 सेशन हम मुफ्त देंगे, ये सीक्रेट है हम क्या बताएंगे, पर डिटेल होंगे मेमोरी में ये कराएंगे आपको, पूरे पास आपके सामने आ चुका है, सबको राइटअप विजिबल है, ये 12 पॉइंट है
और ये 12 के 12 कवर होंगे। 7 दिन तो बहाना है आपको, आपको मेमोरी का सिखाना है, भले 7 दिन लगे या 10 दिन लगे, सिखा के छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। यही नहीं कि 7 दिन नहीं, जब तक हर बच्चा सीख नहीं जाता तब तक, ये मेरा आपसे वादा है, हर बच्चा सीख नहीं जाता तब तक। 7 दिन से 10 दिन भी हो सकते हैं, बट सिखाना हमारा काम है, ठीक है। 7 दिन में तो पूरा करा देंगे, जो रह गए उनको बाद में भी कराएंगे, बट ध्यान रखो होमवर्क नहीं किया तो 250, लेट आए तो 250, समझ गए नहीं पता आप। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन नेचर, डिसिप्लिन जहां नहीं होगा वहां वहां ग्रोथ नहीं होगी, डिसिप्लिन इज की ऑफ सक्सेस। हाँ चलिए सौरभ जी आगे स्टार्ट कीजिए आप। सर मुझे होस्ट बना दीजिए, और सच में सत्या जी मैं आपको पिछले 3 महीनों से देख रहा हूँ, आप दिन रात एक किए हुए हो, आप रात में ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं, बस आपके मन में यही चलता रहता है जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं कैसे स्प्रेड करूं, और आपने मुझ जैसे बहुत सारे ट्रेनर्स को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए मौका दिया है सर, दिल से नमन है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपको। आपको मैंने होस्ट बना दिया सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, अब आप शेयर कर सकते हैं। इसमें से स्क्रीन नहीं दिखा रहा सर, ये मुझे पता नहीं है, अकाउंट कल चेंज किया था, तो आप एक काम कीजिए फोटो पे क्लिक करके आ जाएं उस फॉर्मूला पे। हाँ जी हाँ वो कर ले सर आप, ठीक है। आज भी याद आते हैं मुझे मेरे डियर दादू, और मैं फाइनली आपको सिखा रहा हूँ 2020 का कैलेंडर कैसे याद करें, वो वाला महा जादू, तो बहुत ही सिंपल है वो कैसे याद करें, ये फाइनली ये मेरे पास आ चुका है। आप बोर्ड पे लिख लें छोटा सा सर, तुरंत आपके पास बोर्ड है ना, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा, बस हाँ आगे अभी आया था। ये हमने लिंक दे दिया पेयू मनी का, वो आप जाके पेमेंट कर सकते हैं, ये लिंक आ चुका है, 501 रुपए का है, और पेयू मनी से कीजिएगा तो बहुत सही, हमारे ट्रैकिंग में इजी हो जाता है। हमें तो जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे आप मेरी बात को फॉलो करते जाइएगा, अगर आपके पास पेपर पेन नहीं है तो हम 15 सेकंड रुक जाते हैं, बट आप प्लीज पेपर पेन ले लीजिए तो बढ़िया रहेगा। 2020 कैलेंडर इज टू इजी, आप सबसे ऊपर से पढ़ेंगे लर्न 2020 कैलेंडर इज टू इजी, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, डेट प्लस मंथ कोड डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू व्हाट इज रिमाइंडर। तो मंथ कोड हमारे लिए एक नया वर्ल्ड है, तो जो 2020 के कैलेंडर का मंथ कोड है वो एक रेडीमेड बना हुआ है आपके सामने, 360-351-362-402, दैट इज जनवरी का मंथ कोड हो गया 3, फरवरी का मंथ कोड हो गया 6, मार्च का मंथ कोड हो गया 0, अप्रैल का मंथ कोड हो गया 3, मई का मंथ कोड हो गया 5, और इसी तरह दिसंबर का मंथ कोड हो गया 2। तो ये मंथ कोड आपको याद करने कंपलसरी है, अभी जो रॉबर्ट जी ने आपको ट्रिक बता रखी है कैसे आप ये मंथ कोड याद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लिख के देख लीजिएगा तो याद हो जाएंगे, इट्स नॉट अ वेरी बिग रॉकेट साइंस। तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, डेट प्लस मंथ कोड डिवाइड बाय 7, तो मंथ कोड आपको याद हो चुके हैं 360-351-362-402 इज इक्वल टू व्हाट इज रिमाइंडर। तो व्हाट इज रिमाइंडर का मतलब आप ये बिल्कुल बीचों बीच में देखें, इफ रिमाइंडर 1 देन संडे, इफ रिमाइंडर 2 देन मंडे, इफ रिमाइंडर 3 देन ट्यूजडे, अगर 4 है तो वेनसडे, 5 है तो थर्सडे, 6 है तो फ्राइडे, और अगर रिमाइंडर 0 है तो सैटरडे। बॉटम ऑफ द पेज हमने एक एग्जांपल दिया है 26 अप्रैल 2020। तो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, डेट प्लस मंथ कोड डिवाइड बाय 7, डेट हो गई 26 प्लस अप्रैल का मंथ कोड हो गया 3, डेली का वर्क डेली करोगे रहोगे टेंशन फ्री, तो 26 अप्रैल को डे निकालना है, तो 26 प्लस अप्रैल का मंथ कोड हो गया 3, आप इस लिस्ट में देखें, तो 26 प्लस 3 डिवाइड बाय 7, जब आप 7 का डिवाइड 29 में देंगे तो जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा, सॉरी, तो रिमाइंडर अगर 1 आया तो क्या होगा, संडे होगा। फॉर एग्जांपल भारत देश आजाद हुआ था, फॉर एग्जांपल दिशा दीदी, भारत देश आजाद हुआ था 15 अगस्त को, अब मेरे को 15 अगस्त का डे निकालना है, सबसे टॉप पे जाओ, टॉप पे फॉर्मूला क्या लिख रहा है हमारा, डेट प्लस मंथ कोड डिवाइड बाय 7, भैया ये मंथ नंबर नहीं है, ये मंथ कोड है, आपको मंथ नंबर से मतलब नहीं है, आपको मंथ कोड से मतलब है, जो कि रेडीमेड इस स्क्रीन पे दे रखे हैं। तो
15 आवर्स की मैं बात कर रहा था. फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, डेट प्लस मंथ को डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू व्हाट इज रिमाइंडर. तो डेट 15 हो गई प्लस अगस्त का मंथ कोड क्या है 6. तो 15 प्लस 6 डिवाइड बाय 7, 15 प्लस 6 यानी कि 21. 7 का डिवाइड जब हम 21 में देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. तो रिमाइंडर अगर 0 आया दैट इज होगा सैटरडे. तो 15 अगस्त को सैटरडे हो जाएगा. ये जो मंथ कोड है ये 2020 के ही रहेंगे. 2021 का जो कैलेंडर है उसका मंथ कोड चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा. तो जो हमारा 7 दिन का सत्या भैया ने बताया मेमोरी का वैदिक मैथ्स का कोर्स है, उसमें वैदिक मैथ्स की 2 क्लासेज हैं. तो उसमें सारा डिटेल में हम, सत्या जी ऐसे हमारे पास एक नहीं 20+ टेक्निक्स हैं वैदिक मैथ्स की. हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल. हम लोग समर प्रोग्राम लेके आने वाले बच्चों के लिए जिसमें हम 10 टाइप के कोर्स सिखा रहे बच्चों को. इथिकल हैकिंग पहली बात, सोशल मीडिया मार्केटिंग दूसरा, मेमोरी ट्रेनिंग, वैदिक मैथ्स, न्यूट्रिशन कैसे बारे में, म्यूजिक थेरेपी और मैजिक करना, जादू का करना. 10 प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और आप कोई भी 2 प्रोग्राम चूज कर सकते हैं. 1500 का कॉस्ट रहेगा. कोई भी 2 प्रोग्राम जो आपको अच्छे लगे. इथिकल हैकिंग चाहते हैं तो 12 घंटे का इथिकल हैकिंग का प्रोग्राम है और उन सब में मेमोरी ट्रेनिंग आपको सत्ता की तरफ से गिफ्ट दी जाएगी. कोई भी 2 प्रोग्राम प्लस मेमोरी ट्रेनिंग टोटली गिफ्ट, ये गिफ्ट में दी जाएगी. ठीक है, और ये हम सेशन स्टार्ट करने वाले 5 तारीख से. तो ये अलग होगा, ये स्टार्ट होगा, इसकी रिग्रेस ट्रेनिंग होगी अलग अलग वे में. हाँ, 5 से स्टार्ट होगा ये ट्रेनिंग, जो समर कैंप आप कह सकते हो. 10 लेके अलग अलग एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं हर एक फील्ड से. चलिए आप आगे स्टार्ट की सर. आप सर एक क्वेरी आई है कि 3 सितंबर. हाँ, तो आपकी क्वेरी बिल्कुल ओके है. 3 सितंबर का डे मेरे को फाइंड करना है. तो 3 सितंबर मींस डेट प्लस मंथ को डिवाइड बाय 7. तो डेट हो गई 3 प्लस सितंबर का मंथ कोड हो गया 2. तो 3 + 2 डिवाइड बाय 7 दैट इज 5/7. लक्ष्मण जी नाउ लिसन टू मी केयरफुली. 3 सितंबर मींस 3 + 2/7 यानी 5/7. तो 7 का डिवाइड जब मैं 5 में दूंगा तो ये नहीं जा रहा और पॉइंट का यहां पर कोई काम नहीं है. तो जब 7 का मैंने डिवाइड दिया और नहीं जा रहा तो वही नंबर रिमाइंडर बन जाएगा. दैट इज 5 रिमाइंडर हो गया तो थर्सडे होगा उस दिन. यानी अगर टोटल 7 से कम हो तो वही नंबर रिमाइंडर बन जाता है. तो यहाँ पर टोटल 7 से कम है तो वही नंबर रिमाइंडर बन जाएगा, यानी कि 3 सितंबर को थर्सडे हो जाएगा. एक और एग्जाम्पल पकड़ लो, जैसे 1 जनवरी यानी कि लगभग नया साल, खाते रहो दाल और लोगों से मिलो, जानो उनके हाल चाल, मिलो मतलब फोन पे मिलो. तो 1 जनवरी मीन्स 1+ अगेन जनवरी का मंथ कोड 3, 1+3 डिवाइड बाई 7. 1+3 यानी 4, तो 4/7. 7 का डिवाइड 4 में दिया, ओ माई गॉड ये तो जा ही नहीं रहा, तो 4 ही रिमाइंडर बन जाएगा. तो 4 रिमाइंडर है तो वेनसडे हो जाएगा. तो दैट इज 2020 कैलेंडर का ट्रिक मैंने आपको बताया है. ये तो बीइंग अ मैथमेटिक्स मैजिशियन आई नो दिस टाइप 21+ मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स. जैसा सत्य भैया ने बताया 5 तारीख से जो भी इनका कोर्स लॉन्च हो रहा है, सर बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको और आपने हमें सेवा का मौका दिया. ऊपर वाले को मैं करता हूँ डेली याद. फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. आ रही है मुझे आपकी बड़ी याद, जल्दी करूंगा मैं आपसे ऑनलाइन मुलाकात. बच्चे लोग एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि सौरभ जी बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है और एक चीज है, इनके माता पिता नहीं है, बहुत बचपन में माता पिता चले गए थे. इसके बाद भी ये लड़का दिल्ली जैसे सिटी में ही इज डूइंग समथिंग यूनिक. आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपके साथ माता पिता हैं. और ऐसे बच्चे कौन कहता है कि सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती जब आप मेहनत करते हैं साहब, कभी पालन में सम्राट पैदा नहीं होते. तो इस लड़के ने साबित कर दिया कि सर मुझे एक मौका दो मैं साबित करूंगा. तो क्या मैं केवल पूछना चाहता हूं कि समाज में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करें माता पिता की. कितने लोग सबसे कहना चाहूंगा कि सौरभ जी का दोबारा थैंक्स करें. मैंने ऑन कॉल, मैं तय नहीं था उनको बुलाऊंगा, मैंने जस्ट कॉल किया सर प्लीज आ जाइए, ये रात में अपना खाना छोड़ के आपके लिए आए हैं. थाली लगाए हुए थे बंदा कि सर ठीक है आप बुलाए मैं आऊंगा. प्लीज आप अपने अपने कमेंट्स प्लीज इस शख्स के लिए दीजिए प्लीज.
आपको अच्छा लगे? नहीं नहीं सत्या जी, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है आभार, कि अगर आपने कहीं पर कोई भी सेवा की तो आभार आपका नहीं है, उन व्यक्ति का है कि उन्होंने आपको सेवा का मौका दिया। तो सर थैंक्स आपका है कि आपने सेवा का मौका दिया। और आज मैं माता पिता के लिए दो लाइनें ही कहना चाहूंगा हमारे सभी छोटे भाई बहनों से, हमारे सभी बड़े भाई बहनों से, कि प्यार भरी नमस्ते किसी पुण्य से कम नहीं होती, तो किसी को कहे गए गलत शब्द किसी पाप से कम नहीं होते। एक प्यार भरी राम राम किसी पुण्य से कम नहीं होती, तो किसी को दी गई गाली किसी पाप से कम नहीं होती। अक्सर मेरे दोस्त मुझसे पूछा करते हैं कि सौरभ क्या तूने भगवान देखा है, तो मैं मुस्कुराकर एक ही बात कहता हूं, ये तो अपनी अपनी सोच और समझ का फर्क है मेरे दोस्त, वरना माता पिता की हस्ती भी किसी भगवान से कम नहीं होती। वाह मेरे शेर, मजा आ गया। तुम्हें तो कवि होना चाहिए दोस्त। ये मैंने लिंक दे दिया पेटीएम का पेमेंट का, प्लीज आप पे कर सकते हैं। पेयू मनी का लिंक है, मैं दोबारा देता हूँ, पेमेंट के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब जो सेशन रह गया हमारा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, किसी ने मुझे कहा है कि लाइफ एट द नाइन का ग्रुप लिंक दीजिए। सर हम जरूर दे देंगे आपको ग्रुप लिंक लाइफ एट द नाइन का, ठीक है, जहाँ हम अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। मैं बच्चों आप सबसे कहना चाहूँ, हम रात में हर 9 बजे ऐसे प्रोग्राम करते हैं जहाँ लोग बाहर उसके बहुत पैसे चार्ज करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे, हेल्थ पे, अवेयरनेस पे, ठीक है, पेरेंटिंग पे। हर माता पिता कहीं ना लाइफ में गलती करता है, तो गलती दोबारा ना करें, जो मेरे घर में हुआ किसी और के घर में ना हो। इसलिए हमने प्रोग्राम किया है लाइफ एट द एट नाइन। ये प्रोग्राम रोज रात में 9 बजे होता है और बहुत लोग इसे जुड़ते हैं, हर एक कैटेगरी के, हर एक माइंडसेट के लोग। और इसमें हम ना चीज वहां बेचते नहीं है, सप्ताह में हम दो दिन लाइफ एट द नाइन नहीं करते। आज नहीं होगा और शायद कल ना हो, दो दिन हम छोड़ देते हैं, संडे भी छोड़ देते हैं। तो लगभग 5 या 4 दिन हम करते हैं लाइफ एट द नाइन प्रोग्राम, जिसमें हम सेलिंग नहीं करते। तो आप में से कोई शख्स जिसके पास कोई स्किल है, अगर वो कुछ देना चाहते हैं, आपका स्वागत है। पहले हम डेमो लेते हैं और लिखवाते हैं कि आप कुछ बेचेंगे नहीं। अगर आप बेचेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा, बहुत हेफ्टी फाइन रखने का हम सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक बंदे ने वहाँ बेच के चला गया प्रोग्राम। हम तब तक दाएं बाएं थे तो बहुत हमें खराब लगा, हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, वहाँ कुछ सेल नहीं कर सकते, आप नंबर दे सकते हैं। ये वो ग्रुप लिंक है, इसमें हर एक तरह के लोग हैं, हीलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कोडर्स हैं, एथिकल हैकर्स हैं। इस ग्रुप में आ जाइए आप लोग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया, आपका पेमेंट लिंक भी आ चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 501 रुपये का दान है, 10 बजे तक विंडो खुली है, 10 बजे के बाद विंडो बंद हो जाएगी। हमारे पास 15 बुकिंग हो चुकी है, सौरभ जी आपका धन्यवाद, 15 क्रॉस कर चुके हैं, 25 पर हम लॉक लगा देंगे। तो अगर आप पहले आओ पहले पाओ पहना चाहते हैं, जब ऑब्जेक्टिव कमाना नहीं है, हम बोल रहे हैं 100% रिफंडेबल है, पैसे आप ले जाइए सर, हमें नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा सीखे समझे। हमने फिर देने की कोशिश की, ऐसी बात नहीं, मैंने 12 से लगभग 16 घंटे ट्रेनिंग दे चुका हूँ इसमें, केवल मेमोरी की, से ज्यादा, पर लगातार रिजल्ट नहीं आ रहा था। आज जब देखा लोग कमेंट ही नहीं, रेटिंग देने में 6 मिनट लगा, समझ गया कि शायद ये मेरा तरीका ठीक नहीं, तरीका बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये पेमेंट का लिंक है, आप जिन्होंने पेमेंट कर दी है टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, जिन्होंने पेमेंट कर दी है टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज टाइप यस, जिन्होंने पेमेंट कर दी है। ओके, दिवेश जी ने कॉन्ग्रेचुलेशन, दिवेश जी आपका स्वागत है। दिवेश जी ने दे चुका है, और दिवेश जी आपको मेरी पहली किताब एज ए गिफ्ट मिलेगी, कॉन्ग्रेचुलेशन, जो 350 रुपए की होगी। तो मैंने छुपा के रखा था सीक्रेट, पहले 10 पार्टिसिपेंट को 350 रुपए की बुक देने वाला हूँ, जो प्रिंट में आपको, मे भी बस पोस्टल चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। दिवेश जी आपको मुबारकबाद, जो पहले 10 पेमेंट आई होंगी वो ट्रैक हम कर लेंगे। यस थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा। अब लास्ट में सौरभ जी। हाँ जी सर। देखिए अभी तक तो हम पैसे ले रहे नहीं थे, ठीक है। ओके नंबर देखिए, नंबर हम आपको देंगे, प्लीज नंबर देखिए, पेटीएम का नंबर मेंशन है, वही नंबर है, उसी पे कॉल कीजिए। सौरभ जी है हमारे 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 टीममेट है, ठीक है। ये आपका पेटीएम पेयू मनी लिंक है, उस लिंक पे पेमेंट कीजिए सर, क्लिक करो, पेटीएम ऑप्शन होगा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब ऑप्शन है, हमें ट्रैकिंग में आसानी रहती है। और जिनको तो बहुत दिक्कत आ रही है नहीं हो पा रहा, तो ये नंबर है, इस नंबर पे
आप पेटीएम कर दें, पेटीएम कर दें, वैलेट में ट्रांसफर करना है, बैंक में नहीं प्लीज, आप पेटीएम कर सकते हैं, ठीक है, 8586862608 में आप पेटीएम कर सकते हैं और पेटीएम का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इसमें। और कई बार ऐसा होता है कॉन्टैक्ट ज़्यादा होते हैं तो हम भूल जाते हैं, तो इसलिए हम पेयू मनी का लिंक देते हैं, ट्रैकिंग ईजी होती है। जिन्होंने पेमेंट कर दिया है टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप यस। सोच लीजिए सर, किताब 350 रुपये की मुफ्त मिलेगी आपको, और क्या चाहिए, पैसे भी लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। पेटीएम अलाउड है सर, पेटीएम लिख के ले, लिंक दे के रखा है मैंने उसमें, पेटीएम का नंबर है ऐसे मेंशन, आप पे कर सकते हैं। राइट हमने मेंशन कर दिया, राइट में क्या कराएंगे, ओके गाइस, आज के सेशन में सौरभ जी का हार्दिक धन्यवाद। 1 तारीख से इस सेशन में आपका स्वागत है और बहुत डिटेल, और लगभग 5 या 6 तारीख से हम एक खास प्रोग्राम, यस मनी इज रिफंडेबल, आप प्रोग्राम कंप्लीट कर लें, 7 दिन का होमवर्क दे दें, टाइम से कर लें, पूरा पैसा वापस लेके चले जाइए, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए आपसे, 1 रुपया। और शुरुआत 10 से जिन्होंने पेमेंट की होगी हमें ट्रैकिंग में जाएगा, उनको हम किताब गिफ्ट करेंगे, पेमेंट उन्हें देना, पोस्टल चार्ज को पे करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी अनम्यूट नहीं कर सकता आपको, आप कमेंट कीजिए अपना, बहुत लोग हैं, सब लोग बोलेंगे, कमेंट कीजिए। ये रिफंडेबल अमाउंट 100%, दोबारा बोल रहा हूँ, 100% रिफंडेबल। आप होमवर्क दीजिए टाइम पे, क्लास पे टाइम से आइए, लेट ना आइए, तो आप 100% रिफंडेबल है, ठीक है। आशा करते हैं सत्या जी, 2 लाइन कहूंगा मैं जाते जाते, आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, मार्गदर्शन गुरु की तरफ से, अगर आपकी अनुमति हो तो। लास्ट डेट पेमेंट की आज ही है, ठीक है, हमारा बैच 25 का होगा, 25 का बन जाएगा, लॉक कर देंगे बैच, कोई ज्यादा बच्चे नहीं रखेंगे हम लोग, हम पहले ही बोल सकते, आज ही है, जो पहले आओ पहले पाओ, और जो उसके बाद हम रखेंगे नहीं, आपको पैसे वापस कर देंगे आपके, या नेक्स्ट बैच में चेंज कर देंगे, पहले आओ पहले पाओ। आपको पेटीएम का लिंक, पेटीएम में दोबारा कर रहा हूँ, वैलेट में ट्रांसफर करना, बैंक अकाउंट में नहीं, ओके। आशा करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपका हार्दिक धन्यवाद, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय दिया। लास्ट में एक खास मेडिटेशन सिखाना चाहता हूँ जो हाई बीट्स की है, कितने बच्चे तैयार हैं, टाइप रेडी इन द कमेंट सेक्शन। आपके पास लिंक आ चुका है, रेडी हो, रेडी रेडी, चलिए ओके रेडी ओके। तो हाँ, सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए बच्चे लोग, आंखें बंद कर लीजिए। सौरभ जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन के बाद ना मुझसे प्लीज कॉल कर लें एक बार। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। गैलेक्सी टेनिस, आप सर आप पेमेंट कर सकते हो टुमारो, बट टुमारो आपको हमसे पहले पूछना पड़ेगा पेमेंट से पहले, ठीक है, आप कर सकते हो टुमारो पेमेंट, बहुत दिक्कत है तब, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान रखना अगले बैच में अगर ज्यादा होगा उसमें आपको तब तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए ओके। नाउ आंखें अपनी बंद कर लीजिए, आंखें अपनी बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए प्लीज। नॉर्मली सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, नॉर्मली सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, नॉर्मली सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड, डिवाइस पेयर्ड। आंखें बंद कर लीजिए, मन में अपने भगवान का ध्यान करें, इसमें हिंदू मंत्र चलाने वाला हूं जो बहुत हाई बीट्स का है, शांत हो जाएं बच्चे लोग, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। नॉर्मली सांस लें,
नॉर्मली छोड़ें, तो छोड़ रहे, इमेजिन करें कि सारा स्ट्रेस जा रहा है आपके बॉडी का, इमेजिन कीजिए सारा स्ट्रेस जा रहा है। जब तक मैं आंख ना खोलने को बोलूं, आंख ना खोलिए, शांत हो जाइए, बॉडी को ढीला छोड़ दिए, मन में जो हिंदू है भगवान विष्णु का ध्यान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन,